शुक्र है तेरा, तूने मुझे ऐसे दिन दिखाया, ऐसे नया दिन दिखाया। आज हजारों लोग इसी टाइम हॉस्पिटल में भर्ती हैं, हजारों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर हैं, हजारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ कलिशा में नहीं बैठे, हजारों लोग आज अंधकार की शक्तियों के साथ, जादू टोने दुष्ट शक्तियों के साथ लड़ रहे हैं। बट मुझे और आपको मेरे परमेश्वर ने उसकी गुडनेस और उसकी भलाई देखने के लिए ऐसे दिन दिखाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मेरा पिता थैंक यू, माय जीसस थैंक यू, माय लॉर्ड थैंक यू, माय किंग थैंक यू। खुदाया मेरे बाल बच्चों के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर तू ध्यान रखना पिता परमेश्वर। कुछ आराधना के गीत हम गाने के टाइम में हमें प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारी आराधना ही प्रार्थना है। मैं और आप यहोवा को, आपके अब्बा को, अपने पिता को जो बोलना चाहते हैं, प्रभु तेरी रहमत, जैसे तू अब तक था, जो अब तक मेरी जिंदगी में किया, ऐसे करते रहना परमेश्वर। हो सकता है आप बोलेंगे मेरी जिंदगी में अब तक परेशानी, दुख, तकलीफ है, बट जब आप प्रोफेसी करते खुदाया तेरी रहमत, अगर मेरी यीशु आ गया तो इम्पॉसिबल है उधर परेशानी होना, अगर मेरी यीशु आ गया तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, लड़ाई, अंधकार की शक्ति है तो रह ही नहीं सकता। आज आप डिक्री और डिक्लेयर करो, लॉर्डशिप यहोवा खुदा, मैं नहीं जानता आप किसको खुदा बोलते हैं, बट मेरा खुदा यीशु मसीह है, मेरा खुदा अब्बा पिता जो स्वर्ग में विराजमान करते हैं। आज आप यीशु को बोलो, प्रभु तेरी रहमत, तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह मेरे ऊपर बने रहे। हम आराधना में जाएंगे, उसके पहले एक भजन संहिता 27 की 13 एक वर्स बोलेंगे। आई रिमेन, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, आप जहां भी ऑल्टर में तो भी आप ऑल्टर में रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो स्क्रीन में दिखाएंगे। भजन संहिता 27 की 13, आई रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ दिस, आई विल सी द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ द लिविंग। पढ़ लीजिए भजन संहिता 27 की 13, I remain confident of this, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। ये मुझे कॉन्फिडेंट है, दाऊद जो परेशानी के टाइम है, ट्रबल्स के टाइम है, प्रॉब्लम के टाइम बता रहे, मुझे कॉन्फिडेंट है, इसकी आवाज थोड़ा ध्यान रखो, मुझे कॉन्फिडेंट है मैं यीशु का, मेरा परमेश्वर का भलाई में अपनी जिंदगी में देखूंगा। आप कर्जे में होंगे, प्रॉब्लम से होंगे, इश्यूज में होंगे, बट डिक्री करो, घोषणा करो, खुदाया मैं ऐसे दिन देखूंगा, और ऐसे दिन खड़े होके एडवांसली मैं आराधना कर रहा हूं तेरा, तो मुझे ऐसे दिन आशीष और अनुग्रह भरा हुआ दिन तू मुझे दिखाएंगे। आमीन। अपने अपने पैरों में आएंगे, बोलेंगे प्रभु मेरे बाल बच्चों के ऊपर,
मेरी व्यवसाय के ऊपर, मेरी सोच विचारों के ऊपर तू ध्यान रखना प्रभु। खुदाया शुक्र है तेरा, मुझे ऐसे दिन, ऐसे ऐसे जिंदगी तूने मुझे दिया। एक थैंकफुल हार्ट से रहो। आज आप कंप्लेन लिस्ट लेके आए होंगे परमेश्वर के प्रोसेस में, वो नहीं हो रहा आपकी जिंदगी में, फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जॉब में, करियर में, बट आज घोषणा करो प्रभु तूने आज तक मुझे पाला। अगर आप खाना खाने के लिए मौका मिला बोल दो प्रभु धन्यवाद, गाड़ी दिया आपको, आशीष और अनुग्रह दिया धन्यवाद बोलो। बहुत बार हमें काउंट करके परमेश्वर को आशीष और अनुग्रह बोलना चाहिए, प्रभु इस आशीष के लिए धन्यवाद। जब आप परमेश्वर अपने पिता को बोलेंगे खुदाया धन्यवाद मुझे इधर तक तू लेके आया, तेरी आशीष के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए मैं जिंदगी भर धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी आशीष मेरे बाल बच्चों के ऊपर, मेरी मेरे परिवार के ऊपर तेरा लगे रहे परमेश्वर। हम आराधना के गीत यही गीत ही गाएंगे जो गाते आ रहे अभी तक, और प्रोफेसाई करो आपकी दिन अच्छा होगा, आपकी आपकी फैमिलीज अच्छे होंगे, आपकी व्यवसाय अच्छे होंगे, शरीर अच्छे होंगे। जब आप प्रोफेसी करते, जब आप घोषणा करते प्रभु अच्छा करके दिखाएगा, वो अच्छा करके दिखाने के लिए ताकत रखता है आपकी जिंदगी में, करेगा करेगा 100% करेगा। मैं घोषणा करता हूँ गॉड विल ब्लेस यू, गॉड विल, यीशु आपको आशीष देगा, अनुग्रह और बरकत की तरफ लेके जाएंगे। ये गाने में एक बरकत छुपी हुई है, मैं स्पिरिट में सेंस करता हूँ इस गाने में बरकत छुपी हुई है। आप अगर बोलेंगे बरकत आपकी हिस्सा होगा, प्लीज प्रॉस्पेरिटी आपका हिस्सा होगा, ब्लेसिंग्स यीशु का आपका हिस्सा होगा। हम आएंगे आराधना में, आप आराधना करना चाहते हो, घुटने में आना चाहते हो, अपने दिल खोलना चाहते हो, आकाश के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर हाथों को उठाना चाहते हो, परिवार के साथ एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के बोलना चाहते हो मेरे बाल बच्चों के ऊपर आशीष करना, आपके हाथों में। आप अपनी यहोवा को आराधना कैसे कर सकते हैं मैं नहीं जानता हूं, बट आप यहोवा को आराधना कर सकते हैं। सदा
हम कलिश्य होके तेरे तेरे बच्चे होके तेरे प्रेसेंस में आते हैं पिता परमेश्वर। अगर आपके पास फैमिली साथ में है, एक दूसरे के हाथ पकड़ो। वो तो पिता ये दिन हमें दिखाया, इसके लिए धन्यवाद पिता। ऐसे दिन तूने मुझे दिखाया, मेरे परिवार को दिखाया, मेरी फैमिली को दिखाया, धन्यवाद। आज पिता तू जानते हैं मेरे पास बहुत सारी जरूरत है, नीड्स है, बट पिता मैं तेरी प्रोसेस में ये कह रहा हूँ पिता, जैसे तूने अब तक मुझे चला के आया। अगर आप यीशु मसीह के साथ है बहुत टाइम से, आप खुला बोल सकते हैं परमेश्वर तूने मुझे अब तक चला के आया, मुझे तू आगे भी चलाएंगे। आपके पास जो आशीष अनुग्रह 10 साल पहले आपके लिए ड्रीम्स थे, जो कपड़े आप पहनते थे, जो गाड़ियों में आप घूम रहे, जो गैजेट्स, जो घरों में आप रह रहे, 10 साल पहले हो सकते आपके सपने थे, परमेश्वर ने आज आपको इस तरफ तक पहुंचाया। हो सकता है आपने बहुत सारी गलतियां 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, आपकी 50 साल की जिंदगी में आपने किए होंगे, बट यीशु को बोलो परमेश्वर जो आज दिमाग और बुद्धि और सामर्थ्य जो तूने दिया पिता परमेश्वर, ऐसे मेरी जिंदगी में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि अगले 10 साल के बाद में बिना प्रार्थना रिक्वेस्ट से, बिना कंप्लेन से, बिना डिजायर से मैं तेरे सामने खड़े होकर बोलता हूँ प्रभु तेरी रहमत, तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरी दया मेरे लिए काफी है। एक बंदा, एक विश्वासी, एक आदमी, एक औरत जो यीशु के ऊपर जो कंप्लीटली विश्वास करता है, केवल वो ही बोल सकते हैं प्रभु तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी तेरे लिए काफी है। यीशु आपको बहुत सारे लोग अलग अलग जरूरत के लिए अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करते हैं, मैं और आपके लिए यीशु मसीह कंप्लीट है, अल्फा और ओमेगा, अंत, शुरू और अंत यीशु ही है। पैसे के लिए, आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, चंगाई के लिए आपको अलग अलग दरवाजे में जाने की जरूरत नहीं है, यीशु आपकी सब जरूरत को पूरी कर सकते हैं। आपके क्रिएटर है और आपकी स्वर्ग जिन्होंने एंश्योर कर रखा है, आपकी इटर्निटी, आपकी मरने के बाद भी जिंदगी के लिए जो लाइफ गारंटी कर सकता है केवल यीशु मसीह है। इसलिए धन्यवाद बोलो परमेश्वर। आपको आज फाइनेंशियल ट्रबल्स में, परेशानी में आप बैठे होंगे, बट मैं कलिशा कह रहा हूं आपसे, अगर आपको पिछले 10 साल के अंदर यीशु मसीह मिला उसके लिए भी धन्यवाद बोलो। प्रभु 10 साल पहले मैं तुझे नहीं जानता था, 5 साल पहले मैं तुझे नहीं जानता था, 20 साल पहले मैं तुझे नहीं जानता था, मेरी पीढ़ी, पिछली पीढ़ी नहीं जानता था, बट तूने मुझे सेलेक्ट किया। मैं आज कलिशा धन्यवाद के साथ खड़ा होता हूँ। इस महीने की शुरुआत के टाइम में फर्स्ट संडे उसने मुझे दिखाया, मैं कोई हॉस्पिटल में नहीं हूं, मैं कोई एक्सीडेंट में नहीं हूं, लड़के कहीं मरा पड़ा नहीं है पिता धन्यवाद। इस महीने 11वीं महीने तूने मुझे दिखाया, इस आशीष के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास बिजनेस है थैंक यू बोलो लोगों को, परमेश्वर को बोलो थैंक यू। लोगों के पास है नहीं है परमेश्वर, तूने मुझे व्यवसाय दे रखी है, जो व्यवसाय, जो जो जॉब आपको सिरदर्द लगता है उसके लिए हजारों लोग उसके पीछे प्रार्थना करके लगे हुए हैं, पर आज आपको जिसमें रखा है थैंकफुल हार्ट के साथ जब हम परमेश्वर यीशु के साथ बैठते हैं वो नई चीज और आपको आशीष कर सकते हैं। साइंस भी कहते हैं जब आप एक पॉजिटिव मेंटालिटी में बैठते नई चीज और दे सकते हैं परमेश्वर, खुशी और दे सकते हैं, अनुग्रह और परमेश्वर दे सकते हैं, आपको और उंडेल सकते हैं आपकी अंदर। चलिए फैमिली के साथ बोलो प्रभु मेरे फैमिली के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरी मेरे साथ जो बच्चे हैं, बीवी, हस्बैंड तूने दे रखे परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद। मैं आज थैंकफुल हार्ट के साथ इस महीने बैठा हूं पिता परमेश्वर, और मैं जानता हूं तेरी ग्रेस मेरे लिए काफी है, तू काफी है प्रभु मेरे लिए। हम उस गीत गाएंगे, तू काफी है मेरे लिए। जब आप बोलेंगे यहोवा पिता परमेश्वर को प्रभु तू काफी है मेरे लिए, आपकी फिनेंस के लिए वो काफी है, आपकी चंगाई के लिए वो काफी है, आपकी बरकत के लिए वो काफी है, आपकी पीछे जो परेशानी पड़े उसको तोड़ फोड़ करने के लिए वो काफी है, आपके शत्रुओं को खत्म करने के लिए वो काफी है, आपको खड़ा करने के लिए वो काफी है, मेरा यीशु मेरा परमेश्वर काफी है। जब आप बोलते हो यीशु याहवे तू काफी है मेरे लिए, आप घोषणा करते हो तू काफी है, तेरी ग्रेस काफी है, तेरी दया काफी है, तेरी मर्सी मेरे लिए काफी है प्रभु, दैट्स इट, यीशु तू मेरे लिए काफी है, मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं, और कहीं माथा टेकने की जरूरत नहीं है परमेश्वर तू काफी है। अगर आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में जानते नहीं है, आपने पूरी तरफ दिल नहीं दिया, आज बोलो यीशु मैं तेरे को अपना दिल देना चाहता हूं, आपका शरीर, आपकी दिल, आप प्रभु आपका फर्स्ट आपका दिल मांगता है, फिर आपका शरीर को शुद्ध करना शुरू करते हैं। आपको कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं, किसी की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जहां भी आप बैठे यीशु मसीह इसी टाइम आपको छू सकता है, टच कर सकता है, आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। जब आप मुंह से अंगीकार करते, घोषणा करते यीशु तू मेरे लिए काफी है, तेरी ग्रेस, तेरी दया, तेरी मर्सी मेरे लिए काफी है, आपकी चेहरा चमकना शुरू हो सकता है, आपकी सिचुएशंस चेंज हो सकता है। बोलते हैं मेरे सिचुएशंस के लिए जीसस
You are sufficient for me. My Lord, my King, you are my Lord, you are my King, and you are sufficient for me. मैं और मेरी फैमिली के लिए मेरे परमेश्वर काफी है, मेरे लिए काफी है प्रभु. अब्बा याहवे, तू मेरे लिए काफी है, तू मेरे लिए काफी है. आज घोषणा करो और डिक्री करो, सातान को बोलो, तेरे से लड़ने के लिए मेरी परमेश्वर, मेरी याहवे काफी है. तेरे को जो अंधकार के शक्तियों के अगेंस्ट मुझे खड़ा करने के लिए, मुझे बरकत देने के लिए, मेरी याहवे, मेरी परमेश्वर काफी है. या यीशु, तू मेरे लिए काफी है. प्रभु, तू मेरे लिए काफी है. यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए. यहोवा रफा, तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे गांव से. यहोवा शामा, तू संग रहता, हर जरूर बरकत के लिए, फाइनेंशियल बरकत के लिए प्रार्थना करते हैं. यीशु का नाम है यहोवा जायरा, यहोवा यीरे. सारे प्रोविजंस, सारे ब्लेसिंग्स देने वाला दाता, आपको देने की ताकत रखने वाला परमेश्वर. आज यहोवा यीरे को पुकारो, बोलो तू काफी है. अगर आपको चंगाई के साथ परमेश्वर के सामने खड़े, यहोवा राफा, परमेश्वर के अलग अलग नाम है, यीशु को अलग अलग नाम है. यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर, मुझे शांति देने वाला परमेश्वर, गॉड ऑफ पीस. आज प्रोक्लेम करो और परमेश्वर को बोलो, मेरे सिचुएशंस में, मेरी परिस्थिति में इंटरवीन कर पिता. आप अनुमति जब तक देंगे नहीं, मेरा परमेश्वर एक जनरल गॉड है, जब तक आप पुकारेंगे नहीं, आप अनुमति नहीं देंगे, वो आपके सिचुएशंस में इंटरफेयर नहीं करेगा. सातान, अंधकार, दुष्ट शक्ति बिना इन्विटेशन से वो तोड़ फोड़ करने के लिए तैयार है. बट मेरा याहवे, मेरे परमेश्वर, जब तक आप इन्विटेशन नहीं देंगे, जब तक आप पुकारेंगे नहीं, आपके सिचुएशंस में आएगा नहीं. आज बोलो, याहवे यीरे, मेरा यहोवा 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 यीरे, मुझे मैं तुझे पुकारता हूँ पिता इस टाइम में. यहोवा यीरे, मैं तुझे पुकारता हूँ. यहोवा शम्मा, मैं तुझे पुकारता हूँ. यहोवा राफा, मैं तुझे पुकारता हूँ. मेरी जरूरत, आपका जरूरत आज मांगू इसी टाइम से. यहोवा राफा के रूप में चाहिए, चंगा करने वाला परमेश्वर. यहोवा यीरे, प्रोवाइड करने वाले, आपको जॉब देने वाले, आपके व्यवसाय में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में ताकत देने वाले परमेश्वर के रूप में चाहिए. मांगो, उसके नाम पुकार के मांगो. परिवार में शांति नहीं या शांति से भरा हुआ है, मांगो आज. गॉड ऑफ पीस, शांति का राजकुमार यहोवा मेरे घरों में आ. आपकी लड़ाई इमीडिएटली वो सीज कर सकता है, इमीडिएटली. परमेश्वर जो भी काम कर सकता है, इमीडिएटली करता है. वो एट ए शॉट वो करने का ताकत रख सकता है परमेश्वर. इमीडिएटली लोग दिमाग वो चेंज कर सकते हैं, आपसे लड़ने वाले के दिमाग चेंज कर सकते हैं. आपकी सेंस नहीं, आप फुलिश डिसीजंस ले रहे हैं. आज बोलो, गॉड ऑफ विजडम, गॉड ऑफ विजडम, गॉड ऑफ विजडम, बुद्धि के, ताकत के, समझदारी की, परमेश्वर मैं तुझे पुकारता हूँ. गॉड ऑफ विजडम, मैं तुझे पुकारता हूँ. मेरे सिर को अनॉइंट कर, मेरी मेरी समझदारी को, मेरी चॉइसेस के ऊपर तेरी ग्रेस चमके. आज मांगो, आज इस गाने के साथ और डिक्लेयर करो, यहोवा राफा, तू मेरे लिए काफी है. आप डिक्लेयर करो, यहोवा राफा, आप मेरे लिए काफी है. यहोवा राफा, तू मेरे लिए काफी है. तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है. यहोवा राफा, तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे गांव से. यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे. तू काफी है, तू काफी है.
अब्बा मेरा खुदा तू काफी है मेरे फाइनेंशियल जरूरत के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरी दिल के लिए, मेरी सोचों के लिए, मेरे मनों के लिए, मेरे विचारों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, फैमिली के लिए, इस कलिशा के लिए, व्यवसाय के लिए, जिंदगी के लिए, फ्यूचर के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, हर जरूरत के लिए तू काफी है यहोवा यीरे। जीसस तू मेरे लिए काफी है, परमेश्वर इस कलिशा के लिए तू काफी है, पिता परमेश्वर, परमेश्वर तो जान दे हमारे दिलों को, हम ड्रामेबाज क्रिश्चियंस नहीं है, फेक नहीं है पिता परमेश्वर, तू हमारे दिलों को जान दे इस कलिशा में, या यीशु तेरे नाम हम आशीष के लिए नहीं पुकारते पिता परमेश्वर, हम तेरे लिए सोल्ड आउट है पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए, तेरी किंगडम के लिए, तेरी कॉज के लिए, गुड न्यूज के लिए हम सोल्ड आउट है पिता परमेश्वर, तू हमारे दिल को जानते है। इसी टाइम आप यीशु के लिए सोल्ड आउट है, आपके परिवार, आपकी फैमिली, सब चीज मैं प्रथम स्थान परमेश्वर के सुसमाज आ रहे, आप परमेश्वर को बोल सकते हैं प्रभु मेरे दिल को जांचो, मुझे परख लो, मुझे देख लो, मेरे एग्जामिन करो परमेश्वर। जो सुसमाचार के लिए जिस परिवार खड़ा होता है, जिस फैमिली खड़े होते हैं, परमेश्वर की राज्य को बढ़ोतरी हर बार जिसकी दिमाग में चलते हैं वो परमेश्वर की नजर में हर बार रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी जरूरत, आपकी इच्छा, आपकी जरूरत परमेश्वर पूरी नहीं करेगा, 100% करेगा, बट उसके रीजन दो, क्यों करना चाहिए, क्यों आशीष देना चाहिए, अनुग्रह देना चाहिए, परमेश्वर से कमिटमेंट कर सकते हो। उस हन्ना जो सैमुअल की मम्मा के पास जब उस बच्चे का आशीष नहीं था, बांझ नहीं था, उसने परमेश्वर से बोला प्रभु बहुत टाइम रोया पिया, बहुत कुछ किया परमेश्वर के सामने, पर जब तक उसने बोला नहीं मुंह से, अगर तू मुझे बच्चा देगा मैं तेरे राज्य के लिए सबमिट करूंगा। आज आप व्यवसाय के लिए बढ़ोतरी, टर्नओवर्स में बढ़ोतरी, जॉब में इंक्रीमेंट मांगते हो, क्यों? बोलो प्रभु अगर तू मुझे देगा मैं इस हिस्सा यूज करूंगा, इस लेवल यूज करूंगा, अगर तू मुझे फ्री करेंगे मेरे व्यवसाय को ऑटो पायलट मोड में तू चलाना शुरू करेगा, बहुत मेहनत के बिना परमेश्वर वो टाइम भी मैं तेरे सुसमाचार के लिए दूंगा, तब आपकी पसीना कम करेंगे, तब आपका हार्डवर्क और लेबर काम मेहनत कम करेंगे परमेश्वर, नहीं तो दुनियादारी में आप चक्करों में पड़ सकते हैं। आज बोलो परमेश्वर को वाई, उस है ना सैमुअल की मम्मा ने जब सैमुअल को सबमिट किया परमेश्वर के सामने में, और आप जानते हैं सैमुअल के पास मौका आया, परमेश्वर ने यूज करना शुरू किया, इज़राइल के पहले किंग को अभिषेक किया, इज़राइल की दूसरी किंग को अभिषेक किया, दो दो किंग्स को अनॉइंट करके दो दो किंग्स को किंग मेकर बनाने के मौका दिया, इज़राइल को लीड करने के लिए मौका दिया, इज़राइल का जज बनाया, बहुत टाइम से फियर जो दुनिया डरते थे ऐसे प्रॉफिट बनाया सैमुअल को। जब आप अपने व्यवसाय को, अपने करियर को, अपनी बढ़ोतरी को यीशु के सामने सबमिट करते हो, आपकी बिजनेस देख के लोग डरेंगे, आपकी टर्नओवर्स, आपकी प्रॉफिट्स, आपकी करियर की जो ग्रोथ है, 15 साल में आपने हो सकता है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन तक ही चढ़ा होगा, बट अगला 10 साल की आपकी ग्रोथ में लोग देख सकते हैं ये क्या हो गया, जैसे रॉकेट ऊपर चढ़ता है वैसे चढ़ना शुरू हो जाएगा,
आपके करियर ग्राफ बढ़ सकते हैं, फाइनेंस बढ़ सकते हैं। बीमारी से 15 साल आज बोलो, प्रभु अगर तू मुझे चंगा करेगा, तू मुझे खड़ा करेगा, मुझे ये बीमारी होंगी हॉस्पिटलों के चक्करों में मुझे फंसाएगा नहीं परमेश्वर, मैं तेरे राज्य के लिए खड़ा होऊंगी यीशु, मैं तेरे सेवा करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। वाई, आपके रीजंस बता दो आज यीशु को, फिर वो आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कार्य कर सकते हैं। आज कमिट करो, परमेश्वर का कमिटमेंट का टाइम है। फर्स्ट संडे ऑफ दिस मंथ, इस महीने के पहला संडे कमिट करो परमेश्वर को। जनवरी के टाइम में आपने बहुत सारे रेसोल्यूशंस बनाए होंगे, मैं इतने साल इतनी प्रार्थना करूंगा, इतनी फास्टिंग करूंगा, इतने टाइम परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठूंगा, उसके लिए इतनी पैम्फलेट करवाऊंगा, इसके लिए इतनी क्रूसेड करवाऊंगा, मैं प्रभु तेरे लिए बहुत कुछ करूंगा। बट 10 महीने चला गए, आपकी आपकी वर्क स्टेटस, आपकी जॉब स्टेटस आज आप जानते, मेरा मैं जानता हूं आपका, आप जानते, आपके कमिटमेंट जो आपने परमेश्वर के लिए किया। मैं आपको ह्यूमन बंदे से कमिट नहीं कर रहा, स्वर्ग स्वर्ग धरती सूर्य चंद्र मुझे और आप जिसने खड़ा किया, जिसने बनाया, क्रिएटर गॉड यीशु को आराधना करते। इस टाइम परमेश्वर को मांगो अपनी अगला 2 महीने के वर्क रिपोर्ट लेके 31 तारीख परमेश्वर के सामने जब रात में हम आराधना करेंगे खड़े हो सकते हैं। बोल दो, मैंने आज प्रभु आपको बहुत सारे लोगों को दिलों में याद करवा रहे हैं, आपकी कमिटमेंट, आपके काम, आपके मुंह से जो निकले हुए वर्ड्स, वादाएं जो आपने ऑल्टर में किया, बहुत आशीष आपके पास आए। 5 साल की पहले चीज प्रभु आपको आजकल याद करवा सकते हैं, आपकी कमिटमेंट। बात कर रहे परमेश्वर बहुत सारे लोगों से, दिमागों में, आपकी सोचों में, विचारों में, इसी टाइम परमेश्वर बात कर रहे हैं आपसे। मेरा यीशु कम्युनिकेट करने का ताकत रखने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो मरा हुआ नहीं है, मृत्यु नहीं है, मर के जा चुका नहीं है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपसे और मेरे से बात करने का ताकत रखता है। उस परमेश्वर को मांग सकते इसी टाइम, प्रभु मुझे मदद कर, जो लास्ट 10 महीने में मैंने अचीव नहीं कर पाया, इस 2 मंथ्स में शुरुआत करने के लिए मुझे मौका दे। फेलियर ना हो कि तेरे सामने ना खड़ा हूं परमेश्वर, फेल होना नहीं चाहता हूं पिता परमेश्वर, फल के साथ तेरे सामने खड़ा होना चाहता हूं पिता परमेश्वर। मदद कर, तेरी ग्रेस के लिए, तेरी मर्सी के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद, जो हमारी जिंदगियों में, इस कलीसिया में, इस मिनिस्ट्रीज के साथ जो तूने दे रखा है प्रभु। आशीष अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, हर लोग आज पहला रविवार घर पे नहीं बैठे, चाचा मामा के पास नहीं बैठा, घर में नहीं बैठा पिता परमेश्वर, वो तेरी प्रेजेंस में आज बैठे पिता परमेश्वर। प्रभु सबके ऊपर तेरी रहम, तेरी ग्रेस, तेरी मर्सीज लगे रहे पिता परमेश्वर। प्रभु उन्होंने आज इस पहले संडे तेरी कलिशा में आके जिंदगी इस महीने को शुरू करने के लिए डिसीजन लिया पिता परमेश्वर, तू उसका ऑनर करेगा, तू आदर करेगा पिता परमेश्वर, तू किसी की कर्जदार नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु आज दिलों को, दिमागों को समझाओ पिता परमेश्वर, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को बोल दे मुझे समझने की दिमाग दे, मेरी मन को, मेरी मेरी लॉजिक्स को, मेरी विजडम को, मेरे सेंस को, एक रिसेप्टिव मेंटेलिटी कुछ मैं पाऊं पिता परमेश्वर, मैं कुछ कुछ तेरे प्रोसेस में इस स्पिरिट को मैं पीना चाहता हूं पिता परमेश्वर, इस वचन को मैं खाना चाहता हूं पिता परमेश्वर। मेरे मन से बात कर, मेरी सोचों से, विचारों से बात कर, मेरे शरीर को तू रिसेप्टिव बना पिता परमेश्वर। हर डिस्ट्रैक्शन की आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, फोकस के साथ तेरे लोग बढ़ पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हर 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 काम जो सातान, अंधकार, दुष्ट शक्ति करते हमारे फोकस को हटाने के लिए पिता परमेश्वर, उसको मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। पिता सोचों में, विचारों में कंप्लीट अटेंशन के साथ तेरे लोग बैठ पाए पिता परमेश्वर, सब चीज को पी पाए पिता परमेश्वर, एक ग्रास कर पाए पिता परमेश्वर, अपनी मनों में, अपनी आत्मा में, अपनी सोच विचारों में। प्रभु सबको मैं तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर, धन्यवाद ऐसे दिन तूने हमें दिखाया खुदाया, शुक्र है तेरा, बहुत बहुत धन्यवाद पिता, तूने ऐसे दिन मुझे दिखाया, इस कलीसिया को दिखाया, अपने लोगों को दिखाया, इस आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरी 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 ग्रेस जो हमारे ऊपर है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरा मसीहा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे बेटे और मेरा सृजनहार उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। बैठेंगे हम परमेश्वर के प्रेजेंस में। थैंक यू वर्शिप टीम। देखते हैं हम परमेश्वर आज हमें इस हफ्ते क्या समझाने वाले अपने वचन से। अगर आप फेसबुक और हमारी अलग अलग माध्यम में फॉलो करते तो आपको पता है आज मैं कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। यूजुअली बताते नहीं है,
आज हम फॉलो करेंगे, देखेंगे हैलोवीन। कितने लोगों ने फेस्टिवल्स देखा हैलोवीन? आज सुंदर सुंदर कपड़े में लोग अपनी आप बनाते है ना? नहीं हाँ, आज हम देखेंगे हैलोवीन, एक क्रिश्चियन हैलोवीन फेस्टिवल या हैलोवीन जो बनाते हैं उसमें क्रिश्चियन पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। क्या है मेरी ओपिनियन, क्या है परमेश्वर के वचन क्या कह रहे हैं, मैं दोनों बात समझाना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन आपको क्या समझाना चाहते हैं, बाइबल क्या कहते हैं उसके बारे में भी देखेंगे, और फेस्टिवल हैलोवीन होता है क्या है ये भी समझना जरूरी है। होता है क्या है, हमने सुना है हैलोवीन 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 है, ये होता है क्या है ये भी तो समझना जरूरी है ना। आज हम देखेंगे हैलोवीन लोग सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर 31st और नवंबर 1st। ये अमेरिका में शुरू किया, यूरोपियन लोगों ने शुरू किया, उसके बाद ये समाज की ऊपर लोग सेलिब्रिटीज ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, उसके बाद अब छोटे छोटे लेवल्स में स्कूल्स में हर जगह फैलना शुरू हो चुका है। एज ए क्रिश्चियन हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकते? हमारी बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, कल आज जो स्कूल्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 साल के बाद वो कहां सेलिब्रेट करेंगे? अपने घर पे। वो अडल्ट हो गया, फिर वो समाज में शुरू करेंगे, फिर ऑफिस में शुरू करेंगे। 20 साल के बाद हिंदुस्तान का एक जाने माना फेस्टिवल बन सकते हैं, छुट्टी दे सकते हैं। क्या क्रिश्चियंस उस टाइम भी 20 साल, हो सकता है मैं अगला 20 साल मैं टच ही नहीं करूंगा इस सब्जेक्ट, हो सकता है उस टाइम भी आपको पता चलेगा ये अंडरस्टैंडिंग जो समझदारी परमेश्वर ने आपको दी आप यूज कर सकते हैं। आपकी बच्चे आपकी दुकानों में ऑफिस में घरों में सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें पार्ट ले सकते है या नहीं वो क्वेश्चन है। और एक बार और मैं कहना चाहता हूं, जो वेस्ट है यूरोप और अमेरिका जहां लोग सोचते हैं अंग्रेज है ही क्रिश्चियंस है, हर बंदा अमेरिकन और यूरोप को क्या सोचते हैं क्रिश्चियन है, सच में है नहीं। फ्रांस में बहुत कम क्रिश्चियंस है, यूरोप में क्रिश्चियंस कम होते जा रहे हैं, अमेरिका में भी बहुत कम लोग हैं। बट जब ऐसे लोग हर काम करते हैं इसकी ब्लेम या गेम किसको मिलता है, किसके नाम चढ़ता है? क्रिश्चियंस ऐसे ही है, क्रिश्चियंस ऐसे ही है, परमेश्वर के लोग ऐसे ऐसे नहीं है। जो अंग्रेज दिखते हैं जो गोरे लिखते हैं वो जरूरी नहीं है क्रिश्चियंस है, वो फॉलो करेंगे मुझे और आपको भी घर पे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनके घर पे नंगे कपड़े या बाहर नंगे कपड़े में घूमने अच्छे हैं, हमें जरूरी नहीं अच्छे। हर चीज जो लोग दुनिया दिखाते हैं जरूरी नहीं है मुझे और आपको फॉलो करना जरूरी है। हमारी बहुत सारे मित्र फेसबुक में फोटो चढ़ाएंगे, व्हाट्सएप में चढ़ाएंगे, आपकी दोस्त आपकी फ्रेंड्स भी आपके बच्चे भी बोलेंगे मम्मा ये देखो वो बना रहा है मुझे भी करना चाहिए। उस टाइम आपके पास जवाब होगा विद प्रूफ, बिब्लिकल स्टैंडर्ड के साथ, बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप समझा सकते हैं, वचन आप दे सकते हैं। तो आज की वचन आप नोट कर सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल होंगे। मुझे जैसे ये सब्जेक्ट चढ़ा है मेरे को भी 3-4 लोगों के व्हाट्सएप आए पास्टर्स के, हमारे जो लोग मित्र अलग अलग जहां हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं, हमें भी किसी ने बताया नहीं हम मसीह इतनी टाइम से। तो बहुत सारे कलीसिया में बात नहीं होता, समझाते नहीं है, तो मैं चाहता हूं आपके पास्टर होने के नाता आपको समझाने की आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या चीज है, इसकी एक बैकग्राउंड भी आपको देना चाहता हूं। उसके पहले हम देखेंगे एक कुछ बात भी हम रीड करेंगे। एक मिलेनियम स्कूल है फरीदाबाद की, बहुत सारे स्कूल से मैंने एक स्कूल की फोटो उठाया जो फेसबुक में अपडेटेड है, क्या लिखा है उसी में से आपको पता चलेगा इसकी मतलब क्या है नहीं है। वो फर्स्ट वाला फोटो दिखा दीजिए, इसको बोल्ड करना है, अगली बार से फोटोज करेंगे, स्लाइड नहीं बनाएंगे तो मोटा भी कर सकते हैं। कोई पढ़ सकते हैं? माइक दूंगा मैं अंग्रेजी में, कोई पढ़ सकते हैं? यति कहाँ है? पढ़ो, माइक दो, इसकी आवाज वैसे ज्यादा है इसलिए माइक की जरूरत नहीं, माइक दो, पढ़ो, पास में आके पढ़ो। एक स्कूल है फरीदाबाद का, बहुत सारे स्कूल्स ने सेलिब्रेट किया, उन्होंने खुद उसमें लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है, वो राइट साइड में लिखा हुआ है, हैलोवीन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 31st अक्टूबर विद आवर लिटिल मिलेनियम्स, देयर वर अल्टरली एक्साइटेड Superheroes, fairies, witches, goblins and the other witches characters. और goblins का मतलब क्या है? Witchcraft क्या होता है? चुड़ैल। तो बच्चों को क्या बनाए, अभी बच्चों को जो बनाए वो भी दिखाएंगे। चुड़ैल बन गया, आपकी मदरलों की बात नहीं हो रहा हूं, पहले तो वही नाम आता होगा ना बहुत बार लोगों को याद हो, मैं उसकी बात नहीं हो रहा अभी। चुड़ैल एक्चुअल जो जादू टोने करने वाले, और goblins, goblins क्या होते हैं किसी को पता है? goblins भूत, भूत, गोब्लिन्स का मतलब है भूत। आगे एंड अदर कैरेक्टर वॉकिंग अराउंड, द चिल्ड्रन हैड अ वंडरफुल टाइम मेकिंग स्केरी हेड गियर। अभी आगे फोटो चढ़ा दीजिए, फोटो दिखा दीजिए, नेक्स्ट फोटो, बस थैंक यू। इधर का लाइट ऑफ हो सकता है, दिख रहे हैं आपको चेहरे बच्चों का? अच्छे सुंदर सुंदर फोटो, बच्चों को क्या बनाया?
भूत ये डेली आप अपने घर में भूत जादू टोने करने वाला चाहते हो? मैं तो नहीं चाहता हूं। आगे और फोटो दिखा दीजिए। काउ वेब, स्पाइडर की वेब चेहरे में लगा रखा है, इसकी दांत बाहर है, एक्सीडेंट होने के बाद बाहर हो सकते हैं। मैं फोटोज दिखा रहा हूं, फिर उसकी बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। आगे दिखा दीजिए और फोटोज। बच्चों को बनाते जा रहे, टीचर भी बन गया खुद, घर पे है, उसके अलावा और बन रहा है। आगे और अगला भूत, इसकी चेहरा देखो, और चलो आगे, और पीछे भी भूत है, और आंख से ब्लड निकल रहे हैं, परेशान है बच्चा। स्कूल्स में यही बच्चा बन के हटा दीजिए इसको। यही बच्चे स्कूल से कुछ टाइम के बाद अपने घरों में भी यह काम शुरू करेगा। हम अनॉइंटिंग ऑयल संडे में, आप प्रार्थना में, हम किस चीज को डांटते, और हम अभी क्या बना रहे हैं अपने बच्चों को? जादू टोने, जो गलत काम, एक्सीडेंट से बचाना मेरे परिवार को। सुबह निकलने के टाइम प्रार्थना होता है, मुझे एक्सीडेंट से बचाना। और एक हाथ में ऐसे करके बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग डिजाइन में चल रहे हैं, अलग अलग चीज प्रोफेसी कर रहे हैं। हम ऐसे कपड़े के साथ, ऐसे बातों के साथ इनडायरेक्टली हम प्रोफेसी कर रहे हैं हमारे फ्यूचर ऐसे हो। सेलिब्रेट करना चाहिए क्रिश्चियंस को, किसी को नहीं। मैं चाहता हमारी हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी से उनकी नजर में आए बात, ये हमारी धर्म, हमारी संस्था हिंदुस्तानी कल्चर की अगेंस्ट है। इसके लिए बड़ी कैंपेन होना चाहिए, समझाना चाहिए। आपकी बच्चों को अलाउ मत करना, घर पे, ऑफिस में, अपनी दोस्तों को भी समझाओ। आपका काम क्या है? बोलना है। आपकी काम क्या है? बोलना है, समझाना है। दुनिया का काम है अपनी मर्जी करें, आप समझा ही सकते हैं, बट आपका काम है एक लाइट होने के नाता। एक क्रिश्चियन एक ऑफिस में, एक घरों में, एक इंडस्ट्री में है, तो वो कौन है उस एरिया का? लाइट है। लाइट का काम क्या है? चलना है। लोग उसमें से हट सकते हैं, दूर हो सकते हैं, अपनी गेम में, अपनी चीजों में जा सकते हैं। हैलोवीन होता क्या है? हैलोवीन मैंने कहां से उठाया? हैलोवीन की मतलब चर्च ऑफ सैटन की वेबसाइट में। कौन सी वेबसाइट है? चर्च ऑफ सैटन। उसके बारे में और बताएंगे। जैसे परमेश्वर की बात है, उसके अगेंस्ट जाने वाली बहुत सारे ग्रुप है, सातान, दुष्ट शक्तियों का चर्च, दुष्ट शक्तियों के मंदिर, ऐसे लोगों के वेबसाइट में अलाउड है। हैलोवीन होता क्या है? उसमें लिखा हुआ है, हैलोवीन इज सेलिब्रेशन ऑफ डेड पीपल विद अ लिविंग वन। हैलोवीन क्या है? किसकी सेलिब्रेशन है? मरा हुआ लोगों की सेलिब्रेशन है, मरा हुआ शक्तियों की, खत्म हो चुका है ऐसे चीजों की सेलिब्रेशन है। मैं नहीं कह रहा हूं, वेबसाइट में, चर्च ऑफ सैटन की वेबसाइट में अवेलेबल है। वो कह रहे हैं मरा हुआ लोगों की दिन है, सेलिब्रेशन हम बनाते हैं उस दिन। मैं और आप मरा हुआ है, जिंदा है, जिंदा और जिंदा परमेश्वर का आराधना करते हैं हम। हमें ऐसी चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, सैटैनिक हॉलीडे, सैटैनिक कैलेंडर में दुष्ट शक्ति, जादू टोना, उनके सबसे दो दिन उनकी उनकी साल में इंपॉर्टेंट है, वो है अक्टूबर 31st और 1st नवंबर। कुछ जगह अक्टूबर 31st बनाते हैं, नवंबर 1st बनाते हैं। सबसे ज्यादा सैटेनिक शक्ति, सैटेनिक एक्टिविटी, जादू टोना सब अमेरिका, वेस्ट यूरोप, ये लोग करने का टाइम है ये अक्टूबर 31st। उनके सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके वेबसाइट में अवेलेबल है। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी को जाके देखो, बट जो मना होता है वो खूब पक्का जाके देखेंगे ना। मैंने आधा पौना घंटा देखने के बाद मेरी स्पिरिट खराब हो गया। मैं बैठा, प्रार्थना किया, मैंने अपने आप को यीशु के लहू में प्लीड किया। तो मैं नहीं सजेस्ट करता हूं, बट जो हम मना करते उसमें क्या होते, पक्का जाते। तो आज बहुत हिट होगा चर्चेस में, हो सकते जाके भी देखेंगे, बट आई डोंट सजेस्ट, जाके देख सकते और प्रूफ दे सकते। मैंने देखा अपने ऊपर। और अमेरिका में आजकल एक टूर चल रहा है, जैसे हमारी स्कूल से बच्चों को लेके जाते हैं मॉल्स में मूवी दिखाने के लिए। आज हैलोवीन के दिन में हो गया सेमेट्री टूर। कहां पे? जहां लोगों को दफना रखा है, जहां लोग मरा हुआ, जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, समझदार बंदे सेमेट्री में टूर लेके जा रहे, और बच्चों को उधर से जो सेमेट्री के जो डस्ट होता है, मिट्टी होता है, वो घर पे लेके जाने दे रहे, हड्डियां लेके जाने दे रहे। जादू टोने करने के टाइम में यही तो तांत्रिक मांत्रिक बाबा लोग यूज करते हैं। आज वो हम घर पे खुला लेके अपने बच्चे टेबल्स में रख रहे हैं, शीशे की बोतल के अंदर। 20 साल पहले आप बोलेंगे होगा नहीं, कुछ दिन के बाद सेमेट्री जहां दफनाते, जहां लोगों को क्रिमेट करते हैं, उसी ग्राउंड का जो अभी स्कूल्स बुक करेंगे एक दिन में। हाँ जी, अक्टूबर 31st को हैलोवीन बनाने हमें चाहिए, जहां मैं और आप जाना नहीं पसंद करते। तो ये बढ़ना शुरू हो गया, समाज में बढ़ रहा है। हर चीज समाज में कौन शुरू करता है पहले? पैसे वाले। बड़े फोन कौन लेके आते पहले? पैसे वाले। उसके बाद सेलिब्रिटीज ऐड करते हैं, फिर छोटी कंपनी उसकी कॉपी छोटी बनाते हैं, फिर समाज में फैल जाता है।
जो आज आपको पता नहीं, आप बोलेंगे मुझे नहीं पता, बट 20 साल के बाद आपकी पोती आपकी बेटे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान में भी सेलिब्रिटीज मूवी स्टार्स, इन्होंने इसको ग्लोरीफाई करना शुरू हो गया, ऐसे कपड़े पहनना शुरू हो गया, ऐसे आदत करना शुरू हो गया। तो आपके घर पे भी घुस सकते हैं, सब कुछ सेलिब्रिटीज कर सकते हैं, वेस्टर्नर्स करते हैं, सब कुछ अच्छा नहीं है। क्रिश्चियंस नहीं है, अंग्रेज नहीं है, गोरे जो कर रहे हैं आपको लग रहे हैं सही है, नहीं है। मुझे और आपको समझना है, अकॉर्डिंग टू बाइबल ये ठीक है नहीं है। क्या है? हर चीज खाने के पहले, पीने के पहले, एसोसिएशन करने के पहले, व्यवसाय में जाने के पहले, इवन हम तो जॉब लेने के पहले भी मैं सोचता हूं एक बार प्रे करके देखो। संडे जाना पड़ रहा है आपको, आराधना नहीं कर रहे, कितने करोड़ का भी सैलरी देगा वो, इट्स नॉट ए गुड जॉब। आपने एनालाइज करना है, तुलन करके देखना है अकॉर्डिंग टू बाइबल ये मेरे और मेरी परिवार के लिए अच्छा है या नहीं है। दूसरा फोटोज देखेंगे, शी डेविल और ही डेविल। शी डेविल और ही डेविल फोटोज में क्यों दिखाते जा रहा हूं ये आपको, मैंने कल संडे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक देखा, एक फोटो, सेकंड लेवल की फोटो, मैं वो दिखा ही नहीं सकता, इतनी डरावनी बना के आता है। मतलब शरीर खुल के, जैसे आपने देखा जो पोस्टमार्टम करने के बाद लोगों को ऐसे से खोल के रखते हैं बाहर, ऐसे सारे ऑर्गेन्स अलग अलग जगह फिट करके, आंख नीचे लेडी की कुछ कोई और, ऐसे डरा डरा फोटो में आते हैं, बट ये मैं नहीं दिखा रहा हूं। ये सब कॉस्ट्यूम्स बिखरे है जो जादू, आप जब जाके टेस्ट करोगे ना, ही डेविल मेल डेविल उसकी फोटोज कॉस्ट्यूम्स आते हैं यूज करने के लिए हैलोवीन के दिन में, लोग खरीदते हैं। हिंदुस्तान में ऑनलाइन वेबसाइट्स में अवेलेबल है, हमारी समाज में अवेलेबल है, बढ़ना शुरू हो गया। आदमियों के लिए अलग कॉस्ट्यूम, औरत के लिए अलग कॉस्ट्यूम, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स नजर आएंगे डरावने वाली, बच्चों को लगेगा ये सब अच्छा लग रहा है, फैशन के रूप में घुस सकते हैं घरों में। किसके चक्कर में? फैशन एजी चल रहा है, आपको देखने क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट, हमारे समाज के अगेंस्ट, हमारी चिंताधारा के अगेंस्ट नहीं है ये घरों में, क्योंकि मरा हुआ लोगों की सेलिब्रेशन है। और ये सब क्यों? पाप भरा हुआ फोटोज, आगे दिखा दीजिए, पाप भरा हुआ फोटोज, पाप भरा हुआ एटीट्यूड्स लोग क्यों करते हैं, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा, रीजन क्यों करते हैं। ये तो बता दिया, अक्टूबर 31st और नवंबर 1st सैटन की हॉलीडे वो लोग मनाते, वो लोग प्रमोट करते, वो चाहते फैल जाए। हाँ जी, मैं शैतान की चर्च की मेंबर हूं, कोई जाएंगे उधर? शैतान हूं जी मैं। वो ऐसे मीडिया में, एक्टिविटीज में अलग अलग फेस्टिवल्स बना के वो समाज में घुसने की कोशिश करते हैं। बाइबल में लिखा है जो नकली है वो डुप्लीकेट, तो रेडो डुप्लीकेट 200 रुपए का मिलता है, उसमें रेडो ही लिखा होता है ना, ओरिजिनल के रूप में दिखाते हैं। तो परमेश्वर की बहुत सारी चीज कॉपी करके बताएंगे आपको अच्छा है, तो कॉपी पेस्ट सिस्टम चलता है सातान के लोगों के बीच में। परमेश्वर हमारी खुदा है, यीशु मसीह है, वो हमें सिखाता है एक पार्टनर होना चाहिए लाइफ में, आपकी फिजिकल सेक्सुअल पार्टनर एक, बट चर्च ऑफ सैटन सिखाता है हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जिसके साथ आपको मन लग रहा है संबंध बनाओ। बाइबल बोलता है एक के साथ जाओ, और साइंस कहते हैं अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ संबंध बनाएंगे तो बीमार होंगे, एड्स होंगे, 50 बीमारी और होंगे। स्पिरिचुअली भी बताता हूं, आप जब संबंध बनाते हैं तो आप एक हो जाता है, नहीं है? आप बाइबल कहते हैं आप शादी के बाद, फिजिकल संबंध के बाद आप दो नहीं है, एक है, तो उसकी स्पिरिट आपके अंदर है। तो 50 जादू टोने, परेशानी, श्रापित, कष्ट, सब चीज अपने ऊपर पालन करो, अपने ऊपर बुलाओ। इसलिए बहुत बार जब इसमें से निकलना चाहते हैं ऐसे शरीरों से, संबंधों से, नया विश्वासी को भी मैं बोलता हूं, भाई जब प्रार्थना में बैठने के टाइम में परमेश्वर को बोलना है, प्रभु तेरे लहू के सामने, तेरे शरीर के सामने मैं स्पिरिचुअल डिवोर्स बोलता हूं, हर शक्ति, हर सातान अंधकार की शक्ति दूसरी संबंधों के द्वारा मेरी शरीर में घुसा हुआ है, मैं स्पिरिचुअल डिवोर्स को घोषणा करता हूं। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूं फास्टिंग एंड प्रार्थना के टाइम में, परमेश्वर जो बोलता है, ओशो की बहुत बार लोग ओशो का फेसबुक कोट भी शेयर करते हैं, सुना है ना ओशो? ओशो सुना है आपने, जो बाबा 15-20 साल पहले थे अमेरिका में, जिसकी डेरा था, वो कहते हैं जितनी मर्जी सेक्सुअल पार्टनर्स रखो, आपकी इच्छा है, आप इच्छा को बंद मत करो। हम उसी को ओशो का ही फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस मारते, हर बंदा जो फेसबुक स्टेटस बनाते हैं, व्हाट्सएप बनाते हैं, कोट आपको अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं है, कोट आपको अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं है, हर कोट चेंज मत कर। आज मैंने किसी, मेरे पास तो फेसबुक, मैं वाइफ का देखता हूं कभी एक बार, आज किसी ने लिखा है चर्च में डिप्यूटी जीसस नहीं है, अरे मैं और आप डिप्यूटी नहीं है, ओरिजिनल जीसस है भाई, होली स्पिरिट मेरे और आपके अंदर है, आप है ही नहीं, आप है नहीं ब्रदर,
मैं और आप कौन है? जीसस है। मैं और आप चलते चलते फिरते जीसस है, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो। हर चीज फेस शेयर करते हैं मारते उसके पहले सोचना चाहिए, मैं सोचता हूं क्योंकि मेरी बिहाफ पे जा रहा है। इट्स लाइक हम अपने ऊपर एक स्टिकर लगा के चल रहा है, मैं बेवकूफ हूं। फेसबुक में तो हम शेयर करते हैं बट शरीर में तो हम दिखाते नहीं है। तो हर चीज सोच समझ के, क्रिश्चियंस आपकी बात, आपकी सोच, आपके विचार, हर चीज आपको समझना चाहिए। मैं और आप वॉकिंग गॉड है, अगर होली स्पिरिट आपके अंदर है तो। सबकी बात मुझे नहीं पता, होली स्पिरिट वालों की बात में कह रहा हूं। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो मैं और आप चलते फिरते प्रभु है, परमेश्वर है। तो हर चीज शेयर करने के पहले चर्च ऑफ सैतान अगेंस्ट जाते हैं, परमेश्वर की बातों के अगेंस्ट। मैक्सिमम सेक्सुअल पार्टनर्स रखो जी, रिवेंज लो, उसमें क्लियर कट लिखा है, टेक रिवेंज, डिस्ट्रॉय योर एनिमीज, आपके शत्रु। प्रभु क्या बोलते हैं हमें? माफ कर दे भाई, रिवेंज नहीं लेना, रिवेंज कौन लेगा? इधर तो उल्टा सिखाता है और उनकी गेम है, उनका उनका टीचिंग से आपको और मुझे फंसाने के लिए। बाइबल के बारे में मैं समझाऊंगा। अक्टूबर 31st और 1st मैंने भी जब पढ़ा इसके बारे में, मैंने रिमाइंडर डाल दिया ऑलरेडी मोबाइल में। हर साल आए अक्टूबर 24-25 के करीब मैं हैलोवीन के ऊपर प्रीच करूंगा। 31 तारीख लोग गलती करने के पहले, 31 तारीख गलती करने के पहले एडवांसली वार्न करूंगा, बच्चों को समझाऊंगा। मैंने रिमाइंडर डाल दिया, एंड कुछ नहीं डाला उसमें, कितने साल के बाद बंद करो। बट हर साल एक बार याद आ जाए, समझाएं अपनी लोगों को, समझाओ। आपको समझना चाहिए सैटेनिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा चलने वाले टाइम है। नवंबर शुरू होते हैं हम तो, दिसंबर क्रिसमस टाइम में आ जाते हैं, क्रिसमस आने वाले, अगले महीने केक खाएंगे, नए कपड़े खरीदेंगे। बट इसी टाइम प्रार्थना में, फास्टिंग में ज्यादा जाने के टाइम है। एक्टिविटीज होंगे, रिलीजियस फेस्टिवल्स बहुत कुछ होंगे, बट ज्यादा क्योंकि सैटेनिक शक्ति, डिमोनिक शक्ति बहुत सारे एक्टिवेट होने के टाइम है। इस टाइम में मुझे और आपको केयरफुल होना है। हम एक लिंक देखेंगे चर्च ऑफ सैटन की वेबसाइट से ही, बट मैं हाईलाइट करके अलग अलग फोटोज दिखाऊंगा। लास्ट जो 3 फोटोज है वो दिखा दीजिए, उसके फर्स्ट लाइन से मैं पढ़ते जाऊंगा। और नवंबर शुरू होते हैं, दिन कम हो जाते हैं या अंधेरा ज्यादा हो जाता है इस टाइम से, तो ऑफिशियली वो सिंबोलिकली सेलिब्रेट करते हैं अंधेरे की शक्तियों को। साइंटिफिकली भी जब सन की घूमना फिरना, जो फिजिक्स जिसको पता है, अक्टूबर से जैसे नवंबर शुरू होता है चेंजेस हो जाता है, दिन कम हो जाता है रात बढ़ जाता है, तो सिंबोलिकली वो सेलिब्रेट करते हैं डार्क शक्तियों की, अंधकार की शक्तियों की सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। अंधकार की सेलिब्रेशन है अक्टूबर 31st और नवंबर 1 उनके लिए। चर्च ऑफ सैतान की वेबसाइट से जहां येलो में लिखा हुआ है, हैलोवीन अक्टूबर 31st इज द फॉल क्लाइमैक्स एंड मे बी सेलिब्रेटेड एज अ टाइम व्हेन वन्स इनर सेल्फ माइट बी एक्सप्लोर्ड थ्रू द यूज ऑफ अ कॉस्ट्यूम और वन माइट रिकॉल दोज ऑफ इंपॉर्टेंस इन वन्स लाइफ हु हैव डाइड एज वाज डन दैट नाइट इन द यूरोपियन ट्रेडिशन। उस बंदे को सेलिब्रेट कर सकते हैं जो बंदे ऑलरेडी मर चुका है, उसकी सेलिब्रेशन है। लिखा क्या है लास्ट टाइम में, पिछली उसमें, माइट रिकॉल, जो मरा हुआ शक्तियों को दोबारा बुलाओ, रिकॉल करो, मरा हुआ चीजों को, मरे हुए स्पिरिट्स को, चीजों को वापस बुलाओ, सेलिब्रेट करना शुरू कर दो। करना चाहिए, हैलोवीन में पार्टिसिपेट होना चाहिए, नहीं चाहिए? आपको आगे जाने के पहले अभी मैंने डरा चुका इतना, या सच बोल चुका है। अब बाइबल क्या बोल रहा है वो भी मैं बताने वाला हूं अभी। बाइबल क्या है, बाइबल की वर्ड्स क्या समझाता है, परमेश्वर के वर्ड भी हमें पहले हैंड बोल रखे हैं ड्यूटरोनोमी में, ओल्ड टेस्टामेंट में, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना लिखा है। आगे चल लीजिए, वी सी दिस हॉलीडे एज द नाइट व्हेन द मुंडेन फोक ट्राई टू रीच डाउन इनसाइड एंड टच द डार्कनेस व्हिच सैतान इज हिज डेली मोड ऑफ एक्जिस्टेंस। सातान का, सैटनिस्ट लोगों का अंधकार शक्ति जो दिल में है वही उनकी एक्जिस्टेंस है। और मैं और आप अगर हैलोवीन सेलिब्रेट करते हो इसी दिन, जब प्रोफेटिकली क्या बोलते हैं, अंदर की पापों को जगाएंगे हम, क्या बोलते हैं, यीशु तू बड़े और मैं घटूं। बट इधर क्या बोल रहे हैं, अंदर जो हमारी, अंदर जो पाप है, जो शक्ति है, दुष्ट शक्ति, उसको जगाओ, उसको और बढ़ाओ। अनॉइंटिंग ऑयल के संडे हम डांटते हैं, या प्रार्थना के टाइम हम डांटते हैं, जादू टोने, अंधकार की शक्ति, मरा हुआ अंधकार की शक्ति मेरी जिंदगियों से, व्यवसाय से दूर हो जाए। और अक्टूबर 31st और 1 तारीख को तो दुनिया क्या कहते हैं, बाकी दिन तो चर्च में होते हैं, अक्टूबर 31st और 1 तारीख को तो हैलोवीन मनाएंगे। बहुत सारे जब हम मॉल्स में जाते हैं, एक लड़कियों के जो सिर में रखने वाले वो बैंड आ जाते हैं जिसमें ऐसे दिखा हुआ है, लाल वाली, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? क्रिसमस के टाइम में लोग पहन के आके हुए मैंने देखा है, कुछ लेडीज को तो जितना कम कपड़े पहन के एक्सपोज करें उतना अच्छा लगता है।
ठंड में तो ज्यादा होता है, हम अभी शादी के टाइम में देखेंगे छोटे छोटे कपड़े में घूमते हुए शादियों के टाइम में, मैं बहुत बार सोचता हूँ ठंड में कैसे झेल रहे भाई, वही गाड़ी के अंदर बैठ के बोलेंगे ठंड है, बट जितना एक्सपोज करें जितना दिखाएं उतना सातानिक अंदर के अंदर आत्मा जो भरा हुआ है जो डार्कनेस शक्ति है वो जगा रहे, आप फालतू बुला रहे, आओ आ बहल मुझे मार, जो प्रार्थना करते हैं हम निकालते हैं, आप बोल रहे हैं आ जाओ जी सातान की लोग जैसे मुझे भी करो मैं भी आगे जाना चाहता हूं। Halloween is a time for celebrating monster films, wearing costumes of macabre nature and evoking the thrill of fun, fear, children of role playing. हर रोल प्ले, हर गलत काम, बच्चों को डराते हैं और डर के फैक्टर को जगाना शुरू करते हैं। जो मैं और आपको जाना नहीं चाहिए उसी जगह में हम जाना चाहते हैं। एक और है ना? नहीं इतने? हाँ, we encourage their tenebrous fantasies, their candid intelligence and the wide-ranging evocations of our aesthetics. Satanic लोग ग्रुप में भी सेक्सुअल प्लेशर्स में जाते हैं। मैं आज कलिशा में बोल रहा हूँ ये चीज, बच्चों को कॉस्ट्यूम से शुरू करेंगे, गलत गलत काम में शुरू करेंगे, फिर ग्रुप में रिश्ता बनाना शुरू कर देंगे, अंदर की फैक्टर, अंदर की पाप को जगाएंगे। जो परमेश्वर हमें समझाते हैं सेफ्टी में चलो, डर के चलो, फियर के चलो, उसको हमारी हम अगेंस्ट जाना शुरू कर देंगे बहुत बार। और एक लाइन और लिखा है, सीक्रेट डिजायर ऑफ सिन, पाप से बचते चलना इजी है या बहुत मुश्किल है? सच सच बताना, बहुत मुश्किल है। 50 सुंदर सी लड़कियां जाएंगे, उनकी इधर उधर ना देखे मुंह को ऐसे मोड़ के चलना बहुत मुश्किल है। मैं ऑल्टर में खड़े होके बोल रहा हूं, आदमी को मुश्किल है, अलग अलग बंदे को, आपको मन में, क्योंकि बाइबल में लिखा तेरे मन के अंदर भी गलत विचार आ गया तो तू पाप कमिट कर रहे, तो आपको बाय डिफॉल्ट तो नजर जाएंगे स्कैनिंग में, लड़के लोग, आदमी लोग, बुढ़े लोग डिफॉल्ट नजर जाएंगे स्कैनिंग में। हमें पर्पसफुली जाना पड़ता है, नहीं आई वोंट सी क्योंकि मुझे मेरे कैरेक्टर में चलना है। बट इन नेचुरल पाप में जाने के लिए कोई कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट ही नहीं है, हमारी ब्लड में है, हमारी सिन में है पाप, हमारी शरीर में है पाप, हम उस तरफ ऑटोमेटिकली जा सकते हैं। तो मुझे और आपको पर्पसफुली इस सिन की, इस पाप की विचारों से, चक्रों से दूर जाना है। मैंने अभी सिंपल सी बात समझा दी, आप कोई धर्म जाति कहीं का भी हो, ये बात सिंपल सी बात समझा दिया सैटेनिक वेबसाइट। आप जाएंगे बाइबल क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहते हैं, बाइबल कहाँ कहाँ हमें वार्न कर रखा है। ड्यूट्रोनोमी 18:9-13, ड्यूट्रोनोमी बाइबल की पॉइंट ऑफ व्यू, ड्यूट्रोनोमी 18:9-13, और आपकी बाइबल के ऊपर क्या क्या लिखा है वो भी देख सकते हैं। मेरी ऊपर लिखा है ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, ऑकल्ट प्रैक्टिस मतलब जादू टोने प्रैक्टिसेस, उसके अगेंस्ट वार्निंग है ये। डिट्रोनमी 18:9-13 स्क्रीन में भी आएंगे, आपके पास बाइबल है तो बहुत अच्छा, मैं पढ़ के जाऊंगा फिर समझ सकते आप। व्हेन यू एंटर द लैंड लॉर्ड योर गॉड ही इज गिविंग यू, डू नॉट लर्न टू इमिटेट द डिटेस्टेबल वेज ऑफ द नेशंस देयर, लेट नो वन बी फाउंड अमंग यू हु सैक्रिफाइसेस देयर सन डॉटर इन द फायर, हु प्रैक्टिसेस डिविनेशन और सोर्सरी, interpret omens, engages in witchcraft or cast spells, or who is a medium or spirit who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the Lord. Because of these same detestable practices, the Lord your God will drive out those nations before you. You must be blameless before the Lord your God. पढ़ लीजिए। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को न सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, वा भावी कहने वाला, वा शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, वा टोना या तांत्रिक, वा बाजीगर या ओंझों से पूछने वाला, वा भूत साधने वाला, वा भूतों को जगाने वाला हो। भूतों को जगाने वाला ना हो। फर्स्ट डोंट इमिटेट देम, उनका कॉपी नहीं करना। आपकी देश, आपकी दोस्त, आपकी फैमिली, आपकी कोलीग्स अंधकार दुष्ट शक्ति काम कर रहे हैं, फर्स्ट के आपको उनकी कॉपी नहीं करना। बी केयरफुल, उनसे दूर रहना भाई, उनके चक्करों में मत जाना। आपको जितनी भी प्रमोट करे, जितनी भी आपको पुश करे, नहीं करना। और सेकेंड, अपनी बेटे बेटियों को बलि मत चढ़ाना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी देश में भी, ह्यूमन लोगों को मारते हैं, बेटे बेटियों को बलि चढ़ाते हैं। गांव में सुनते हैं ना, अभी
बच्चे को मारा जी, उसको मारा, लड़के के लिए दो लड़कियों को मारा, गलत काम करते, अबॉर्शन करवा दिया, ये करवा दिया, बच्चे के लिए करते। परमेश्वर ने बोले ऐसे करना मत, तू उनसे दूर रहना, बी केयरफुल, उनकी प्रैक्टिसेस में नहीं जाना। साउथ में मैंने कुचिन में एक बहुत 5-6 करोड़ की जो अपार्टमेंट में रहने वाले फैमिली, 10 दिन से कोई उनको बाहर नहीं देखा, जाके देखा पता चला सब परिवार मरा पड़ा हुआ है। 7-8 चर्च ऑफ सैतान के मेंबर थे वो लोग, और ऐसे सिखाया तुम लोग मरने के बाद अपने आप को सुसाइड करो, तुम जी उठेंगे, तुम्हारे पास पावर आ जाएंगे। जब सैतान बंद कर देता है हम बेवकूफी में विश्वास कर देते। मरा पड़ा हुआ स्मेल आना शुरू हो गया, पड़ोसी ने ढूंढा, लोग रिश्तेदार ने ढूंढा, काम वाले ने बोला 15 दिन से अता पता है नहीं। सैतान दिमाग खराब कर सकते हैं, आपको खराब कर सकते हैं, आपकी जिंदगी को, सोचों को, विचारों को। हमारी समाज में भी है, साइलेंटली है, बहुत सारे जो पुलिस मर्डर केस चुप बैठे हुए हैं। मैं और आप एक दिन न्यूज में पढ़ते हैं बहुत सारे चीज ऐसे विचक्राफ्ट, जादू टोने शक्तियों की कारण आश्रम में आके लोग कमिट करते। पिछले महीने मैंने पढ़ा था, एक बंदे ने दोस्त के घर पे आया, फ्लैट से उठा के लड़की को फेंका। पढ़ा आपने? किसी ने पूछा उससे क्या था, वो कोई मैक्सिकन में कोई बाबा ने उसको बोला था तेरा बिजनेस में, व्यवसाय में बढ़ने के लिए बच्चे को बलि चढ़ाओ। बताओ जी, बच्चे को बलि चढ़ाओ, उसने दोस्त का फेंक दिया। तो सोचना है आपकी दोस्त, आपकी एसोसिएशन क्या क्या कर सकते हैं, किसको टारगेट कर सकते हैं। और थर्ड, नो विचक्राफ्ट, कोई जादू टोना बाजीगर करने वाले गलत काम, उनके साथ एसोसिएट मत करना। और स्पिरिट ऑफ डेड, मरा हुआ स्पिरिट के साथ कंसल्ट मत करना। हमारी देश में भी है ना ऐसे बाबा तांत्रिक, मरा हुआ आदमी स्पिरिट को बुला के उनसे क्वेश्चन पूछ के जवाब देने वाला है, बहुत है। और जो अलग अलग बोर्ड है करने वाले भी सीरियस बैठे, बोले उनके पास मत जाना, उनसे कंसल्ट मत करना। ऐसे तांत्रिक चीज जो हैलोवीन और ऐसे सेलिब्रेशन जिस दिन बनाते हैं वो इसी को प्रमोट करते हैं, आपको नहीं बैठना, नहीं करना। और थर्ड, बी ब्लेमलेस इन फ्रंट ऑफ गॉड, जब खुदा के सामने आप खड़े होते हैं ब्लेमलेस होना चाहिए। परमेश्वर आपके ऊपर श्राप नहीं लगाना चाहिए, परमेश्वर आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं लगाना चाहिए। सिस्टर शुभांगी आप देख लीजिए बाहर, Ephesians 5:11-15, Ephesians 5:11-15, आपने नोट कर लिया? Deuteronomy 8:9-13, आपकी बेटा बेटियां पूछेंगे पापा क्यों नहीं करना चाहिए, हमें क्यों नहीं इसी दिन में पटाखा फूंकना नहीं चाहिए, कलर लगाना नहीं चाहिए। आपको बहुत सारे चीज के लिए मैंने जवाब दिया, Deuteronomy 18:9-13। आज बाइबल स्टडी जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, यूजुअल प्रीचिंग में इतनी बाइबल वर्सेस नहीं देंगे, बट आपको बहुत सारे बाइबल वर्सेस मैं आप दूंगा। आपको पता है आपको ऐसी चीजों से, ऐसे अंधकार की शक्तियों से दूर रहना। Ephesians 5:11-15, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। सोने वाले, अभी प्रीचिंग के बीच में सोने वाले की बात नहीं हो रहा हूं, वैसे जो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि ऐसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर परमेश्वर की 11 में लिखा है, have nothing to do with fruitless deeds of darkness, अंधकार की शक्ति जादू टोने से कुछ नहीं लेन देने हमारा, दूर रहो ऐसे कामों से। मैं अपनी प्रीचिंग में बोल रहा हूं, बाइबल में बता रखा है, दूर रहो। हमारी परमेश्वर पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा बोलते हैं, इन चीजों से, इन अंधकार की शक्तियों से दूर रहो भाई, इनके चक्रों से दूर। मैं और आप लाइट है, लाइट जहां जाएंगे अंधकार की शक्ति दूर हो सकता है, बट परमेश्वर इधर वार्न कर रहे, दूर रहो भाई इस चक्रों से, इस इश्यू से, ऐसे काम करने वाले से एब्सोल्युटली दूर रहो। और एक जगह लिखा हुआ है एक्सपोज देम, उनको दिखाओ दुनिया के सामने। मैं तो वही कर रहा हूं, मैंने कितने लोगों को समझ आ गया होगा अभी हैलोवीन, आपको बिब्लिकल स्टैंडर्ड के साथ एक्सपोज नहीं किएंगे, आप बताएंगे नहीं क्यों। कल मुझे बहुत सारे, मेरी टीम अलग अलग लोग आए, ये पास्टर के बेटा सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेटी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो दूसरी पास्टर की बेटी लाइक कर रहे हैं, कोई एंग्लो इंडियन बना रहे हैं, कोई चर्चेस की ग्रुप बना रहा है, चर्चेस से जाके घटे बना रहे हैं हैलोवीन। वाह जी,
फिर हम बोलते हैं परमेश्वर काम नहीं कर रहा हमारी जिंदगी में, तो कलीसिया में घुस चुका है, अंग्रेजी बोलने वाली कलीसिया में घुस चुका है, समाज में घुस चुका है, नीचे हमारी समाज में भी घुसेंगे। तो कलीसिया आपको समझ आना चाहिए। बहुत बार लोग सोचते हैं अंग्रेजी बोलने वाले कलीसिया के बंदे बहुत नॉलेजबल है, नॉलेजबल बंदे है, वो आपके सामने फेल होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज मैं पास ऑन करता हूँ। मैं जब मेरे स्पिरिचुअल फादर की कलीसिया में जाता है, जो ड्राइवर को हम छोड़ के जाता है, ड्राइवर उसके बाद हालेलुया बोलता है, क्यों? वो जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठा उसने सुसमाचार सुना है विद बेस। कौन सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठे कलीसिया के अंदर भी नहीं जाता, उसको सुसमाचार सुनाने की और बाइबलिक बैकग्राउंड की नॉलेज है। तो आपको कोई नॉलेज में नीचे ना गिराना, अंग्रेजी बोलने वाला नहीं है नॉलेज, हम अंग्रेजी बोलने वाले हम सोचते हैं हम कम है, कुछ नहीं है, बेवकूफ बहुत दिखाऊंगा आपको मैं अंग्रेजी बोलने वाले, गरीबी बहुत दिखाऊंगा, इससे कोई वो नहीं है। नॉलेज परमेश्वर के वजन से होना चाहिए, परमेश्वर के समझदारी से होना चाहिए। तो आपको नॉलेज में कमी ना हो जाए, इसलिए मैं एफिशिएंसी ये बात समझा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर गोरा हर बड़े चर्च करते हैं, मैं और आपको भी नहीं कर सकता, वो करें ना करें मुझे मतलब नहीं, मुझे आप इस वचन के अकॉर्डिंगली चले उस चीज से मतलब है। तो आपको परमेश्वर के वर्ड के अकॉर्डिंगली चलना है, नहीं तो मैं और आप खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 15 में लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ लीजिए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। Be very careful then how you live, not as unwise but as wiser. आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है आपने कैसे जी रहे, सुबह कैसे काम, क्या काम कर रहे, क्या सुनते, गाड़ी में क्या सुनते। Be very careful. Christian life easy नहीं है, परमेश्वर के पीछे चलना easy नहीं है, आपको बहुत careful होके चलना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, आपको बहुत समझदारी के साथ चलना पड़ेगा, क्या कैसे कर रहे हैं, ऐसे चीजों में बहुत ही ध्यान होना पड़ेगा। बी वाइज, दोबारा पढ़ लीजिए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। ये जो फोटोज मैंने इतनी दिखाए सारे बुद्धिमान लग रहे, निर्बुद्धि है नहीं है तो भी परमेश्वर वही तो कह रहे हैं। मैं लास्ट में सोल्यूशन भी दूंगा अगर आपने इसे निकलने का भी रास्ता भी बताऊंगा, बट निर्बुद्धि समान ना चले, उनको कॉपी मत करना, उनके चक्करों में मत फंसना, दोस्तों के चक्कर में, कोलीग्स के चक्कर में नहीं फंसना, निर्बुद्धि समान। क्रिश्चियन लाइफ जीना बहुत मुश्किल काम है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके लिए आपको बहुत केयरफुल होकर समझना है। निर्बुद्धि समान नहीं बनना, अंधकार की शक्तियों के साथ कोई लेन देन ही मत करना। फिर हम चलेंगे सेकंड कोरिन्थियंस में, दोबारा एफिशिएंस से एक चैप्टर पहले सेकंड कोरिन्थियंस की 6:17। अगर आप बाइबल वर्स नोट कर रहे हैं, क्यों? आपकी बच्चे है ना, आपकी बच्चों को आप बोलेंगे बेटा ये मत सेलिब्रेट करना, वो नहीं मानने वाला है। क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? जवाब नहीं देंगे तो क्या सोचते हैं वो? उनको कुछ नहीं पता, बेवकूफ बना रहे हैं हमें, पैसा नहीं है इसलिए पटाखा नहीं लेके दे रहे, पैसे नहीं इसलिए कॉस्ट्यूम नहीं ले रहे ना, उसकी रीजंस बताना, वाई हमारे लिए मना है, हमारी हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते, हम हर चीज कॉपी नहीं कर सकते, पेस्ट नहीं कर सकते, फेसबुक व्हाट्सएप हर चीजों में मेरे को ध्यान रहना पड़ेगा, मैं उस दुष्ट शक्ति उस उनकी जैसे मैं नहीं कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ, मुझे देखना। सेकंड कोरिन्थियंस 6:17 में क्या लिखा देख लीजिए। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। Therefore come out from them and be separate, touch no unclean thing and I will receive you. उनकी बीच में से निकल के, यहाँ घर छोड़ के उस मोहल्ले से निकल, नहीं कह रहे परमेश्वर, बोल रहे ऐसे आप कॉपी नहीं कर सकते, ऐसे एसोसिएशन ऐसे ग्रुप्स ऐसे फ्रेंड्स ऐसे फैमिली से दूर रहो। जरूरी नहीं है ये आपको दारू पीने के लिए भी दोस्त इनवाइट कर सकते हैं, ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप। आपकी कॉलेज में लड़के आपको बुलाते जा रहे हैं, चल यार सबके साथ दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, वो भी टूर में जा रहे हैं, चक्कर चला रहे हैं, हम भी चल, बोल सकते आई कैन नॉट डू इट ब्रदर, खुद भी समझा सकते हैं, मैं को दूर रहना पड़ेगा ऐसे पाप भरा हुआ कामों से चीजों से, मैं और मेरा परिवार नहीं कर सकता, मेरा फैमिली नहीं कर सकता, दूर रहना पड़ेगा। आप बच्चे ये भी बोलेंगे उस पास्टर ने भी बना के हमने देखा है जी, इस पास्टर की इधर भी है, हमारे पास बहुत सारे पास्टर्स उनकी बेटी होंगी बनाते हुए फोटोज आए पड़े, आपका बच्चे भी कॉपी करेंगे, बोलेंगे बेटा जरूरी नहीं है हर बंदा, हमें परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चलेंगे, किसी के नाम बड़ा है किसी की चर्च बड़ा है जरूरी नहीं उससे से फॉलो करना है कॉपी करना है, आपको बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। और लास्टली एक वर्ड और मैं बोलना चाहता हूँ एफिशिएंस में, दोबारा हम जाएंगे सेकंड कोरिन्थियंस के बाद गैलेशियंस के बाद, एक और चैप्टर आएगा
Ephesians 4:17 to 24 आपकी instructions Christian घराने को कैसे जीना है, Christian living कैसे होना चाहिए, आपने अब तक ध्यान दिया नहीं दिया, पर इस चीज में ध्यान देना। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातियाँ लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। और so I tell you this and insist on in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. Futility का मतलब है निरर्थकता, बिना मतलब की बात है। बहुत बार आपकी दोस्त के साथ जनता अविश्वासियों के साथ आप बैठते बोलते बात कुछ और बोलते है, करते कुछ और है, बोल कुछ और है, लगते हैं बिना मतलब, इसकी दिमाग ही नहीं है, समझदारी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चीज करेंगे, उनको कॉपी मत करना, उनसे बाहर निकलो, ऐसे बातों से सोचों से विचारों से बाहर मत निकलो और प्रभु के लिए सेपरेट हो जाओ। और 19 आप पढ़ लीजिए दोबारा, उसी का ही 4:19 हैविंग लॉस्ट ऑल सेंसिटिविटी। और वे सूत्र होकर लुचपन में अलग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किए गए, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality, so as to indulge in every kind of impurity. आजकल एक टीचिंग चल रहा है जो मन को लगता है करो खुशी करो, आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है, सुना है? पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत सारे बंदे आजकल, किसी को फेसबुक में लाइव जा सकते हैं, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। क्या चाहिए? 20 रुपए का एक तार मिलता है, वो सामने लगाना है, कोट पहनना है, अपने टीचिंग दे सकते हैं फेसबुक में लाइव जाके, मैं अपने आप मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आपका मन की इच्छा करो जी, करते जाओ। परमेश्वर कहते हैं मन की इच्छा ही तो नहीं करना चाहिए, जो मन शरीर को लग रहा है वो तो नहीं करना चाहिए। शरीर को लग रहा है आज 2 बोतल पीना है, बट परमेश्वर कह रहे हैं ठीक नहीं है। सेंस, उनको तो सेंसिटिविटी जा ही चुका है। जिसको सेंस है, मैं और आपके पास भी एक टाइम सेंस नहीं था, तभी तो हम गंदे काम में थे। आज आप सोचते हैं ना, भाई मैंने इतने गलती काम कैसे किया, सोचते हैं? मैं सोचता हूं बहुत बार बैठ के, इतनी बेवकूफ कैसे था, सेंस ही नहीं है। साताने बंद कर रखे हैं मेरी और आपके दिमाग, बहुत सारे दोस्तों को बंद कर रखे हैं, आपकी फैमिली को बंद कर रखा है। आधा तो फेसबुक में ड्रामा दिखाएंगे, करेंगे कुछ और, नकली जिंदगी जी के मेरी और आपके सामने दिखाएंगे। तभी तो सेंस चला गया, तभी तो 4 रिश्ते पालते, सेंस चला गया तभी तो 4 बोतल दारू पीते, क्योंकि किडनी लिवर तो 10 साल के बाद उड़ना है। सेंस चला गया तभी तो फेसबुक में हम पवित्र दिखाते, उसके बाद गाड़ियों के अंदर आगे पीछे लड़कियां पालेंगे। सेंस जा चुका है, सेंस जा चुका है, सेंस जा चुका है, दिमाग नहीं है, खत्म हो चुका है मेरी और आपकी दिमाग। अगर मैं ऐसे काम में आप और मैं जाएंगे, दुनिया ऐसे कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए? आपके पास सेंस है नहीं है? सेंस है, प्रभु है हो तभी तो सेंस आएगा, नहीं है तो कोई सेंस वेंस नहीं है। यीशु मसीह हो तभी तो दिमाग में सेंस आएगा, बुद्धि आएगा, सामर्थ आएगा, ये तो सारे ड्रामे होंगे। मुझे और आपको क्या जीना चाहिए, 20 से आगे बढ़ेंगे। ये बता दिया, अन्य जाति ये करते जा रहे, मुझे और आपको क्या जीना चाहिए? पर तुमने यीशु मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। That however is not the way you learned. तुमने ऐसे रास्ते ऐसे काम नहीं पढ़ाए भाई। 21 है, When you heard about Christ and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus, you were taught with regard to your former way of life. 22 पढ़ लीजिए। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। हमारी पुराने वाली जिंदगी कैसे थी? जो मिल गया वो खा ले, जो मिल गया वो कर ले, जिस लड़की से सेटिंग करना वो करे, बोलते ऐसे पुरानी जिंदगी, पुरानी चलाकी, पुरानी बात छोड़ के, चीटिंग वाली बात छोड़ के हम आगे बढ़ गया। हमें बढ़ना चाहिए प्रभु यीशु की वर्ड के अकॉर्डिंगली, दुनियादारी के चक्कर में नहीं बढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात है, डिसाइडफुल वेज। और अपने मन के 24 पढ़ लीजिए, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आपको कैसे सृजा गया? नया यीशु मसीह को आपने स्वीकार कर दिया। Put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. तभी मैंने बोला मैं और आप, अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, पवित्र आत्मा की लहू आशीष अनुग्रह पाया, आप और मैं चलते फिरते मसीह है। डिप्यूटी नहीं है, एक्चुअल ओरिजिनल जीसस है, होली स्पिरिट में चलने वाले जीसस है।
ओरिजिनल, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, इसमें लिखा हुआ है अगर आप है तो 24 दोबारा पढ़ लीजिए और नहीं, सॉरी 25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मैं और आप अगर नहीं है, सातान डायरेक्ट बोल के आता हूं, मैं सातान हूं जी, मैं आपको फंसाने आता हूं। कैसे आता है? ट्रैप है। हैलोवीन सेलिब्रेशन, बहुत सारे फेस्टिवल, सातान आपको रिक्रूट करने के लिए, जब नौकरी हम कुछ कुछ कंपनी में जाता है, 3 महीने के बाद पता चल जाता है सैलरी आता नहीं है, बट उनकी रिसेप्शन, एचआर, बात बोलने वाले, टाई फाई पहनने वाले, सब देखे कैसे लगेगा, भाई साहब मैंने तो बढ़िया नौकरी लग गया, 3 महीने के बाद पता चलेगा चाय का भी पैसा नहीं देता, दिखाते तो कुछ है। ट्रैप था, रिसेप्शन ट्रैप था, अंदर गया तब पता चला ये तो एसी भी नहीं है ना फैन है, रिसेप्शन तो ट्रैप कर दिया आपको। हम एक पिक्चर देखेंगे अभी, मैंने एक पिक्चर और बोला था जो मक्खी पकड़ने वाला मशीन है, फोटो आपने देखा है कैसे जाता है लाइट देके, इसमें कैसे जाते हैं मक्खी और मच्छर, आज कुछ होगा बढ़िया, बट क्या होता है जाते लग गया, ये सातान अंदर में और आप जाएंगे लाइट देके, आज ही हैलोवीन शालोवीन अच्छा लग रहा है, मैं तो नंगी कपड़ा पहनना चाहता था, मम्मी पहनने नहीं देता, आज तो हैलोवीन के चक्कर में पहनेंगे, अपनी पोस्ट वोस्ट दिखाएंगे, जाएंगे यही होगा, फिर कुछ दिन के बाद खोल के कोई साफ करके फेंकेंगे। ट्रैप है सातान, मुझे और आपको खत्म करने के लिए ट्रैप बना रखा है, तो ट्रैप में चक्करों में नहीं फंसना, नहीं तो मेरी और आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हम जाएंगे लाइट देके, कपड़े देके, दोस्त की इन्फ्लुएंस में, फैमिली की इन्फ्लुएंस में, खत्म हो जाएगा जिंदगी मेरी और आपकी। मैं आगे फास्टिंग के दिन में समझाऊंगा। एक मसीह योगा कर सकते हैं? कैन ए क्रिश्चियन डू योगा? आप हां बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, बट क्या चीज है वो समझने के बाद आप ना बोलेंगे। ये मैं संडे नहीं प्रीच करूंगा, एक दिन फास्टिंग के टाइम में अलग तरीके बता दूंगा। कैन ए क्रिश्चियन डू योगा? जैसे हैलोवीन है 20 साल के बाद, ये भी हमारी कोई ना कोई प्रमोट करेंगे, ये दिन बनाएंगे, वो दिन बनाएंगे, उस दिन आप चूज कर सकते हैं। आज भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में होता है, आप अपना बच्चे को अलाउ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। एक दिन हम इसके ऊपर भी टीचिंग करेंगे, कोई दिन रविवार या संडे या और कोई दिन टीचिंग रख सकते हैं, उस दिन अलग एक टीचिंग रख सकते हैं। उसके लिए चीज क्या पहले समझना जरूरी है, चीज क्या है, किस चीज को हम फॉलो करते हैं समझना बहुत जरूरी है। एक दिन हम करेंगे, नहीं तो हर चीज ट्रैप हो सकता है, अच्छे भी हो सकता है, बट हम उस दिन बैठेंगे एनालाइज करेंगे। और लास्ट में एक चीज याद रखना, यीशु मसीह आपको क्या देके खरीदा है सिस्टर, कहां की दिल की खोल के, दिल की खून देके खरीदा है। प्रभु को देखेगा जब हमें और आप ये काम करते कैसे लगेगा उसको। मैं पास्टर दी से पूछना चाहता हूं, हमारी शादी हो गई एक हफ्ते के बाद, मेरी अलमारी में आपको लग रहा है परफ्यूम, पूछा कहाँ से मिला है परफ्यूम, मैंने बोला मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड ने दिया, हमारी याद के लिए मैंने रखी है, आप रखने दोगे मुझे, क्या बोलेंगे? नहीं, अगर मैंने रख लिया लड़ बड़ के भी आप खुश होंगे, अंदर दुख होंगे, बहुत दुख होंगे। यीशु मसीह आपकी हस्बैंड, वो देख रहे हैं मुझे और आपको ये गलत चक्करों में, जिसने खून दे के खरीद के आपने वाइफ बनाया, आपको हस्बैंड बनाया, आज वो दुख होंगे खुश होंगे, दुखी में बैठे होंगे आज। मैंने सिंपल एग्जाम्पल से आपको एक बात लास्ट में समझा दिया, तो हर चीज करने के पहले सोचना मेरी हस्बैंड रोएगा, मेरी परमेश्वर दुख होंगे सुख में होंगे, वो हैप्पी होंगे, मुझे जिसने खून देके खरीदा, जिसने शरीर मेरे लिए तोड़ा, जिसने सब कुछ काम मेरे लिए किया, जो मेरी हस्बैंड यीशु मसीह है। हर चीज करने के टाइम में ये मुझे तुलन करना है। मैं भी बहुत बार सोचता नहीं था ये बात, यीशु रोने वाला है नहीं रोने वाला है मेरी गेम्स में, मेरी स्कीम्स में, चक्करों में, बट आज मैं सोचता हूँ प्रभु तू रोएगा या खुश होगा। मैं एक पास्टर होने के नाता भी बता रहा हूँ, बट आज मैं सोचता हूँ प्रभु ये तू रोएगा या तू खुश होगा, मेरी हस्बैंड है, तेरे दिल क्या चलेगा, जिसने तूने मुझे शादी करके लेके आया, मेरा दिल में क्या चल रहा है।
आज आपको और मुझे सोचना है, मुंह चलाने के पहले, सोचने के काम काम करने के पहले, गंदे बात करने के पहले, 10 गर्लफ्रेंड पालने के पहले, गलत काम करने के पहले, मेरा प्रभु जिसने मुझे लहू देके खरीदा, वो रोएंगे या खुशी करेंगे? दैट्स इट। लास्ट, प्रभु तू खुश होगा नहीं होगा, क्या पूछेंगे लास्ट? तू खुश होगा, आपको जवाब ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपका अंदर पवित्र आत्मा है तो वो बताएगा तेरी पति खुश नहीं होगा इस बातों से। बिना बोलते हुए लेडीज को पता हुआ है, कुछ कपड़े मैं पहन के जाऊंगा तो ये हस्बैंड ओके नहीं बोलूंगा, पता है? लड़कियों को भी पता है, ये कपड़े देके मम्मी ना बोलेंगे, मम्मी ने बोले वो पहनने नहीं देंगे, पता है ना ऑटोमेटिकली, फिर भी कन्विंस करने की कोशिश करता है। मम्मी बताएंगे नहीं पहना, बट हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। सेम वे आज सोचना है मुझे और आपको, मेरा परमेश्वर इसमें खुश होगा या नहीं होगा। आज कम्युनियन में हम जाएंगे, प्रभु भोज में। बहुत बार हमारी जिंदगी में सातान के एक नाम है अक्यूजर। अक्यूजर को क्या बोलते हैं? अक्यूज को क्या बोलते हैं? आरोप। हमारे ऊपर केस लगता है, झूठे केस लगते हैं, उस टाइम क्या बोलता है? आरोपी तो लगता है ना, इसने मेरा चोरी किया, इसने मेरा वो किया। सातान हमें ये कपड़े पहना के गलत ड्रामेबाजी करने के बाद परमेश्वर के सामने प्रभु को बोलेंगे, वो यीशु मसीह देख जरा, जिसको तूने लहू खरीद के लेके आया वो देख क्या गलत काम कर रहा है। हमें फंसाया किसने? सातान ने। उसके बाद यीशु के सामने जाके मुझे और आपको एक्यूज करेगा, बोलेगा, और बीमारी परेशानी ट्रबल, मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूं, बीमारी परेशानी ट्रबल्स इश्यूज, सातान जब क्लेम होगा, सातान को आपके ऊपर क्लेम चाहिए। क्लेम कैसे होगा? एक प्रॉपर्टी क्लेम होने के लिए तो रजिस्ट्री होनी चाहिए। एक बंदा पवित्र जिंदगी में जिएंगे, उसके ऊपर सातान को कोई क्लेम नहीं है। मैंने क्या बोला? एक बंदा पवित्र जिंदगी में जिएंगे, वर्ड के अकॉर्डिंगली जिएंगे, सातान को उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बट जैसे हम जाएंगे अपवित्रता में जिएंगे, गेम्स में जिएंगे, पाप में जिएंगे, उस टाइम क्या होंगे? सातान क्लेम कर सकते हैं मुझे और आपको। मैंने क्या बोला बताओ? जब हम अपवित्रता में जिएंगे, गलत काम में, गेम्स में जिएंगे, उस टाइम सातान को हमारे ऊपर क्या है? क्लेम है। बोल सकते हैं ये मेरा बंदा है क्योंकि ये गलत काम करने वाला है। कूड़ा उठाने, कूड़ा जहां हमने कूड़ा फेल रखा है उधर कुत्ता का क्लेम है ना, ऑटोमेटिकली आपके बच्चे जाके खाएंगे उधर से जहां कूड़ा फैला रखा है। क्लेम किसका है? कुत्ते का है, वो खा रहे जाके खा रहा है। परमेश्वर के लोगों की क्लेम नहीं है। मैंने आपको फिर जहां पाप है शरीर में, जिंदगी में, सातान क्लेम करेंगे। सातान जब आपका शरीर क्लेम करना शुरू होंगे बीमारी, सातान जब आपकी व्यवसाय क्लेम करना शुरू करेंगे, उसी व्यवसाय से निकाल के आप प्रोस्टिट्यूट के घरों में मोबाइल चढ़ाएंगे, क्या होंगे? तो वो सोचेगा मैंने इसके लिए दिया तेरे को, उसके लिए कपड़े खरीद के दे रहे। परमेश्वर पूछेगा मैंने व्यवसाय से पैसे निकाल के तेरे को इसके लिए दिया है, उसके घर पालने के लिए, या बॉयफ्रेंड को सेट करने के लिए? उसको प्रभु का क्लेम दूर हो जाएगा। सातान क्लेम करना शुरू करेंगे आपका बिजनेस, आपका फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका शादी। आपकी शादी ग्लोरीफाई नहीं कर रहे तो सातान क्लेम कर रहा है। आज जितनी भी लोग बैप्टिज्म लिया हुआ है, आज हम कम्युनियन बहुत बार लिया हुआ है, बट आज हम कम्युनियन लेंगे, एक ही क्लेम करेंगे, सैटन यू डोंट हैव एनी क्लेम ऑन मी। और ये मेरी और आपकी बातों से नहीं होने वाला, यीशु का लहू, ब्लड ऑफ जीसस। इसलिए कम्युनियन लेने वाला है, बैप्टिज्म ले चुका है। आपको मैं बता रहा हूं, जब क्या बोलेंगे सातान को, जब ये यीशु का लहू जब मैं पीता हूं, जो जूस है, आप बोलेंगे जी आपने अभी बोला ह्यूमन ब्लड नहीं पीना, तो आप बोल रहे लहू पीने, जूस है, जूस है, बट वो हमें इंस्ट्रक्शन है, जब आप मिलने के टाइम मेरी याद में पिया करो, जिस दिन रात में मैं पकड़ा गया, यीशु मसीह की इंस्ट्रक्शन है मुझे और आपके लिए। अगर अभी भी यीशु को आपने दिल दिया, कलीसिया में रेगुलरली आ रहा है, बैप्टिज्म नहीं लिया, बैप्टिज्म लो भाई। चाचा मरने के बाद उनका कर्म मुझे करना है, अरे मरने के बाद कोई ना कोई तो खड़ा हो जाएगा कर्म करने के लिए, मेरा उसका दिल होगा, उसका दिल होगा। मैंने आज बताया यीशु मसीह ने आपको जिंदगी, आपने लहू, आपने दिल देखे, उसने खरीद रखे आपको। बैप्टिज्म नहीं लिया, इमीडिएटली बैप्टिज्म लो, तभी आप कम्युनियन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके पहले क्रिश्चियन लाइफ आपका शुरू नहीं है। यीशु को क्या लग रहा है? अभी भी आप टेस्ट कर रहे हैं आगे पीछे जाके, हम जैसे हम गड्ढे पानी से देखने के टाइम एक बार पैर डाल के देखते हैं ना कितनी गड्ढे आगे, अभी भी आप टेस्ट कर रहे हैं यीशु को। ऐसा ही है, रास्ता सही है, हम डंडे लगा के देखते हैं ना कितनी गहरे, अगर आपने नदी क्रॉस किया तो बचपन में हम इस एरिया में ऐसे करके देखते थे कितनी गड्ढे भाई, स्टेप है, सीढ़ी है, और समुद्र में भी निकलने का टाइम है, भी आप देखते। ऐसे प्रभु को टेस्ट ना करना बंद करके बैप्टिज्म लो, परमेश्वर को अपनी उद्धारकर्ता मान के फॉलो करो, तभी आप कम्युनियन ले पाएंगे, तभी आप प्रभु भोज में पार्ट लेंगे।
उसके बाद आपकी लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ, रियल लाइफ शुरू होता से। फिर आप कम्युनल लेने के टाइम में क्लेम कर सकते हैं यीशु का लहू। आइए वर्शिप टीम, जितने भी लोग कम्युनल लेने आपने बैप्टिज्म लिया तो आगे आएंगे, हम यीशु का लहू को पुकारेंगे और एक वर्ड बोलना है, सैतान यू डोंट, सैतान तेरे को मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं है, मेरे व्यवसाय के ऊपर कोई क्लेम नहीं है, मेरी फैमिली लाइफ के ऊपर कोई क्लेम नहीं है। सैतान तेरे को मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं है, मेरी फैमिली लाइफ के ऊपर कोई क्लेम नहीं है, मेरी जिंदगी के ऊपर कोई क्लेम नहीं है। है तो आप प्रभु को आज बोल सकते हैं अपनी जिंदगी के साथ। लूका सुसमाचार, हम इसको खोल के रखेंगे फिर पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 24, अगर आप बैप्टाइज्ड हो आप आगे आ सकते हैं, आज हम आगे लेंगे कम्युनियन ऑल्टर में। लूका सुसमाचार 24, 30 और 31। एक एक लाइन में आइए, हम खटे हम मिलके लेंगे उस सैतान को, बोलेंगे सैतान यू डोंट हैव एनी क्लेम ऑन मी, सैतान यू डोंट हैव एनी क्लेम ऑन मी। और जब कम्युनियन लेने के टाइम में जब आप प्रभु भोज लेते हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए, मैं कम्युनियन लेने वाले प्रभु भोज, अगर आप बैप्टाइज्ड हो आप आ सकते हैं, बैप्टाइज्ड हो तो आप आ सकते हैं। बैप्टाइज्म, बैप्टिस्मा, पानी की बैप्टिस्मा ले चुके हैं, आपको इसके मतलब ही नहीं पता, बैठे रहिए जहां पे, उसका मतलब आपको बैप्टिज्म लेने आने वाले टाइम में बैप्टिज्म, आप मसीह को पीछे चलना शुरू करते हैं उसी टाइम आप पानी में, जहां एक टंकी बना होता है उधर, हम आपको उधर खड़ा करके पूछते हैं बैप्टिज्म के टाइम में, आपने यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया, हाँ जी, आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो, हाँ जी, उसके बाद पुरानी जिंदगी, हम पानी में आपको डुबकी देते हैं, खड़ा करते हैं, पुरानी जिंदगी आपने कहां दफनाया, पानी में, दैट्स इट। उसके बाद आप प्रभु भोज में पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि आप सीरियस विश्वासी हो गया, यीशु के पीछे चलने वाले हो गया, पाप भरा हुआ जिंदगी को रिनाउंस कर लिया, दैट्स इट, आपने ऐसे चलना है। तो आप बच्चे को छोड़ के आपने बैप्टिज्म लेना, कम्युनियन लेना, तो आगे आ जाइए। अच्छा नहीं, बैप्टिस्ट नहीं है, जिनको जिनको बैप्टिज्म ले चुके हैं आप आगे आ सकते हैं। कोई बात नहीं, जैसे एक एक लाइन पे आ जाए, हम आपको फॉलो देने के लिए इजी है। आपने दो काम करना है आज, जितने भी लोग बैप्टिज्म ले चुका है, कम्युनियन लेने वाला है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से बोलना है, प्रभु तेरी ब्लड जैसे मैं लेता हूँ ये मुझे कवर करे सिर से लेके पाप तक। क्या बोलेंगे? मुझे सिर से लेके पाप तक कवर करे, और सातान की जितनी भी क्लेम मेरे ऊपर है, उसकी अधिकार मेरे ऊपर है, जो मैंने पापों के साथ किया है, वो सेक्सुअल रिलेशन के साथ हो सकता है, चोरी के साथ हो सकता है, गलत के साथ होता है, हर क्लेम मेरे ऊपर से वॉश। आपने बोला है सैतान तेरा कोई क्लेम नहीं है मेरे ऊपर, और स्पिरिचुअल डिवोर्स बोल सकते हैं, हर रिलेशन से, हर ऐसे अंधकार की शक्ति है जो आपके ऊपर आपको लग रहा है ठहर चुका है, हर चीजों से मैं स्पिरिचुअली डिवोर्स को बोलता हूँ। जब इस ये लहू के जो गाने चलेंगे आपके हाथों में अभी आएंगे, कम्युनियन लेना मत, हम इकट्ठे लेंगे, बट इस आराधना गीत चल के बोलेंगे सैतान यू डोंट हैव एनी क्लेम ओवर मी। और लूका सुसमाचार की 24 की 30 और 31 हम पढ़े, मैं स्क्रीन में डाल दीजिए, लूका सुसमाचार 24, 30 और 31, अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है तो, नहीं तो स्क्रीन में डाल दीजिए, और पास्टर रति को एक बार माइक दिखा दीजिए, पढ़ेंगे। After taking communion, 24, 30, 31, when he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized him. जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। अगर ये स्टोरी पढ़ेंगे, यीशु मसीह टाइम से उनके साथ चलना शुरू हो गया था दो बंदे के साथ, बट तब तक उनकी आंख बंद थे, वो पहचाना नहीं, बट जैसे कम्युनियन लिया आंख खुल गया, मतलब स्पिरिचुअल आंख जो बंद था उनको पहचान लिया परमेश्वर के पास। बहुत बार हमारी आंख बंद है, स्पिरिचुअल आंख, अंदर की आंख बंद है, बट इन्होंने यीशु मसीह के साथ जब कम्युनियन लिया उस टाइम परमेश्वर के स्पिरिट के साथ आंख खुल गया,
आज आप मांग सकते हैं, परमेश्वर मेरी जितनी भी आत्मा बंद पड़े, आंख बंद पड़े, उसको खोल दे परमेश्वर। मेरी स्पिरिचुअल आंख बंद पड़ा है, मेरी सोच विचारों से आंख बंद पड़ा है, पिता परमेश्वर मुझे खोल, मुझे शुद्ध कर, मैं चलना चाहता हूँ। प्रार्थना करने के टाइम सैतान, यू डोंट हैव एनी क्लेम ऑन मी, तेरा कोई क्लेम नहीं मेरे ऊपर। अगर हो तो भी यीशु के लहू के साथ, उसके शरीर के साथ जो मेरे अंदर जा रहा हूँ, उसे साफ हो चुका है। मैं पवित्र आत्मा, मैं जीसस वॉक कर रहा हूं, मैं परमेश्वर वॉक कर रहा हूं। और प्रभु अगर तेरी डीएनए मेरे अंदर हो, कोई शक्ति मेरे ऊपर काम नहीं कर सकता। लहू के द्वारा मुझे साफ कर दे, मुझे शुद्ध कर दे हर अशुद्धियों से। मांगो आज, हर अशुद्धियों से आपको शुद्ध कर सकते हैं। आपने प्रभु जो आपकी हस्बैंड का दिल को ठुकरा रखा है, फिर भी आज मांग सकते मुझे माफ कर दे। और मेरी अंदरात्मा, मेरी जो स्पिरिचुअल आईज है, अंदरात्मा नहीं, मेरी जो स्पिरिचुअल आईज है, आत्मिक जो आंख है, उसको खोल दे पिता। हर डार्कनेस की शक्तियों से, हर अंधकार की शक्तियों से, जादू टोने की ताकतों से मुझे बचा। मेरे अंदर वाइब्रेंसी वापस आ जाए, एनर्जी वापस आए, ताकत वापस आए पिता परमेश्वर। मुझे आज तू बचा ले परमेश्वर, मुझे तेरी लहू के द्वारा मुझे धो ले। आज जैसे आपके पास आएंगे, आप मांग सकते हैं परमेश्वर से, जैसे पास्टर दी देंगे, पिता मिलकर कम्युनियन लेने के लिए तूने हमें मौका दिया, इस आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। इसको आशीषित करते, अनुग्रह करते, तेरी लहू और तेरी तेरी शरीर के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आराधना में जाएंगे, आपके पास आएंगे, आराधना कर लीजिए उसके साथ डरते हुए, उस आदर के लिए। ऐसे दिन आपको दिखाए, आपके बहुत सारे भाई बहन बैठे, उनको मौका नहीं मिला, उनको टाइम नहीं हुआ, उनको बहुत सारे कारण से वो दे नहीं पा रहा, बट मैं और आपको प्रभु ने मौका दिया उसके साथ प्रभु भोज में, उसकी शरीर में, उसके लहू में, और उसके साथ पार्ट होने के लिए मुझे और आपको मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। लोग पीछे खड़े हैं, आप पीछे बैठे, आप अपने अपने पैरों में आओ, बोल दो परमेश्वर मुझे मदद कर पिता परमेश्वर, बैप्टिज्म लेके तेरे पीछे चलने के लिए मैं डिसाइड कर पाऊं। जितने भी लोग बैठे अपने अपने पैरों में आओ, बोल दो परमेश्वर मुझे मदद कर, मेरा यीशु मुझे मसीहा, तेरे लहू मुझे धो ले,
उसकी लहू को प्रोक्लेम करो, आप उसकी लहू को प्रोक्लेम करो। हम सिंबोलिकली परमेश्वर के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट आप बोल सकते हैं यीशु तेरी लहू मुझे शुद्ध कर दे मेरी पापों से, मेरी सोचों से, विचारों से, अंधकार की शक्तियों से। मैंने और आपने, हमने बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे मन में विचारों में हमने ऐसे काम किए हुए हैं, परमेश्वर के सामने हमें खड़े होने के लिए मौका ही नहीं है। हम अपनी कर्मों से, कामों से, मैं और आप नहीं खड़ा हो सकता परमेश्वर के पास में। आपसे सबसे बड़ा पापी है मैं, पर बट मैं यीशु के लहू की ताकत समझ गया, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू हो गया। आपने चिंता भी नहीं करना, हो सकता है आपने इस ऐसे फेस्टिवल्स में पार्ट लिया या करते आया, आपने आज इस टाइम आपने समझ लिया। बाइबल में लिखा हुआ है तुझे नहीं पता था पर आज तुझे पता है, आज से इसको नहीं करना। हमारे पिता ऐसे पिता नहीं है जो पुरानी चीज जो आपको पता नहीं है तब भी आप गलती किया, बट पिता ऐसे पिता है जो यीशु दयालु है, करुणामय, बोलते तुझे आज से पता चल गया, ऐसे कामों में आगे नहीं चलना। अपने हाथों को उठा के बोल दे यीशु का लहू मुझे शुद्ध कर दे, यीशु तेरी हाथों को उठाओ, बोल दे प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, मुझे शुद्ध कर दे मेरा परमेश्वर, मुझे शुद्ध कर दे यीशु। पीछे जितनी भी लोग हैं, मेरे दिल तो आपके लिए तरसते आज इसी टाइम, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक टाइम हम सब मिलके इस प्रभु भोज में पार्ट ले। आज मेरी प्रार्थना है, इस कलीसिया की प्रार्थना है, आप हमारी साथ आने वाले टाइम में इस प्रभु भोज में पार्ट ले पाए, और कम्युनियन जो यीशु के साथ उसके टेबल में बैठ के जो खाना खाने के मौका है। मैं सच में, मेरी दिल दुखी आज इतनी कम्युनियन लेने वाले से ज्यादा लोग ना कम्युनियन लेने वाला है। आने वाले टाइम में हम इसको रिवर्स करना है, ज्यादा लोग प्रभु भोज में, हमें लाखों लोग इकट्ठे हम प्रभु भोज में पार्ट लेंगे, क्योंकि परमेश्वर की लहू को पुकारते हैं। और जितने भी लोग आगे खड़े, आराधना करो और डिक्लेयर करो, सैतान यू डोंट हैव एनी क्लेम ऑन मी, सातान तुझे मेरे शरीर के ऊपर, मेरी परिवार के ऊपर, मेरी सोच विचारों के ऊपर तेरी कोई क्लेम नहीं है। हर क्लेम तेरे, हर अधिकार को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ हर सातान अधिकार, उसकी क्लेम, उसकी उसकी रजिस्ट्रीज को मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ यीशु के नाम से। इस धरती में हो, पानी में हो, उस अंधकार में हो, कहीं भी हो, वायु में हो, कहीं भी हो, सातान तेरी कोई अधिकार नहीं, मैं डांटता हूँ तुझे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ। सैतान, यू डोंट हैव एनी क्लेम ऑन मी, तेरे मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर, कैरियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, मिनिस्ट्रीज के ऊपर, लोगों के ऊपर सातान तेरी कोई क्लेम नहीं है। तू हमें अक्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक जो पाप, जो एटीट्यूड, जो बात था, यीशु के लहू ने मुझे धो दिया। मेरा परमेश्वर की शरीर ने मेरे लिए जो काम किया, टुकराया, अपने आप को खत्म किया और मुझे जिंदा खड़ा किया। धन्यवाद के साथ मैं खड़ा हूं पिता परमेश्वर, और लहू को पुकारो सिर से लेके पांव तक, सोचों में, मनों में, आंखों में, और यह भी घोषणा करो हर शक्ति, हर ताकत मेरी फिजिकल रिलेशंस के द्वारा, एक्स वाई जो भी आपकी पुराने सब चीज आपके अंदर घुस चुके हैं, यीशु के नाम से डांडो इसी टाइम। हर अंधकार की शक्ति, हर स्पिरिट आपके अंदर एक्स रिलेशंस के द्वारा आपके शरीर में घुसे हुए, बोल दो तो आज निकल के जाएगा। तेरी एफेक्ट, तेरी प्रार्थ, आपकी पुराने बिजनेस पार्टनर्स की श्राप, आपकी पुराने बिजनेस पार्टनर्स की श्राप, आपकी पुराने एम्प्लॉयज की श्राप, जिनके आपने गलती किया उनके श्राप, जिन्होंने आपको प्रश्न में डाला, सब कोई श्राप, हर श्राप टूटेगा यीशु के नाम से। आपके ऊपर कोई श्राप नहीं काम कर सकता, ना पुराने पार्टनर्स का हो, ना पुराने एम्प्लॉयज का हो, ना एसोसिएट्स का हो, कोई बाबा तांत्रिक है, किसी का अधिकार नहीं है आपके ऊपर। यीशु, ओनली जीसस, ओनली जीसस, ओनली जीसस, ओनली जीसस, ओनली जीसस, कोई शक्ति, कोई आत्मा आपके ऊपर काम नहीं कर सकता केवल यीशु के अलावा। मैं आपको प्रार्थना पॉइंट्स बोलते जा रहा हूँ, जब आराधना के चलने के टाइम में आपने मनन करना है। मैं समझदार लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंट लोगों से बात कर रहा हूँ, जो समझ सकते हैं, जो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो अंदर तक लेके नस 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 में लेके जा सकते हैं। आपकी आपकी आत्मा के अंदर ये बात घुसते जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ हर एक्टिविटी, हर स्पिरिट जो आपकी ओल्ड लाइफ के साथ एसोसिएटेड था, कोई क्लेम आज एक्सपायर हो गया यीशु के नाम से। हर क्लेम को मैं एक्सपायरेशन, एक्सपायरी आज के दिन में हो गया। इस मोमेंट के ऑनवर्ड्स कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई श्राप आपके ऊपर का नहीं काम कर सकता। पुरानी रिलेशनशिप में हो, आपकी माँ की घराने से, बाप की घराने से, कहीं से भी आपके पीछे से चलते आ रहे, पिछली जिंदगियों से चलते आ रहे, हर क्लेम सैतान का मैंने आज तोड़ दिया यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा। एवरी claim of Satan and its household, har jadoo, har tone, har andhakar ki shakti, har claim toot jaye yeshu ke naam se, is lahu aur is bread ke dwara. Aradhana mein hum jayenge, fir hum lenge milke aradhana mein jayenge.
ऐसे दिन तूने मेरा बाप को नहीं दिखाया, ऐसे दिन तूने मेरी खानदान को नहीं दिखाया यीशु। तो इतने सालों से मेरी खानदान, मेरी पूर्वजन इस धरती में थे, बट उनको किसी को तूने मौका नहीं दिया। पिता परमेश्वर तेरे साथ कम्युनियन लेने का, तेरे साथ प्रभु भोज में बैठने का। पिता परमेश्वर प्रभु मेरी प्रार्थना इस अनअकाउंटेड, जिसको मैं गिन ही नहीं सकता, जिसको मैं सोच ही नहीं सकता, ऐसे धन्य, ऐसे अपॉर्चुनिटीज जो तूने इस पापी जैसे मुझे दिया, इस अपॉर्चुनिटी के लिए मेरा पिता धन्यवाद। पिता मेरा प्रार्थना है जैसे हम इस रोटी को लेते हैं पिता परमेश्वर, तेरे शरीर को समझते हुए पिता परमेश्वर, और पिता हमारी हमारी शरीर में तेरी शरीर घुस जाए, तेरे डीएनए मेरे डीएनए में आए पिता परमेश्वर, और हर आंख, हर आदमिक आंख जो मेरे बंद पड़ा हुआ है, शरीर की बंद पड़ा हुआ है, खुल जाए यीशु के नाम से। प्रभु जो चीज तू मुझे दिखवाना चाहते है मैं तुझे देखे आज से पिता परमेश्वर, जो चीज तू मुझसे बात करना चाहते है वो सुनने के लिए मेरे स्पिरिचुअल कान भी खुल जाए पिता परमेश्वर, हर चीज जो स्पिरिचुअल मेरे ऑर्गन्स जो बंद पड़ा पिता परमेश्वर, तू आज इस शरीर जैसे तेरा जाएगा, लहू मेरे शरीर में जाएंगे पिता परमेश्वर, वो खुल जाएगा यीशु के नाम से। मैं घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इसी टाइम कम्युनियन में पार्ट ले रहे पिता परमेश्वर, एक नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में उनकी जिंदगी में घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर, नेक्स्ट लेवल, एक और सीढ़ी, एक और कदम तू उठा के तुमको आगे खींच के ऊपर लेके आएगा नेक्स्ट लेवल। वचन पढ़ने के लिए बैठेंगे, उन्होंने हजारों बार पढ़े होंगे, बड़ा जैसे वचन बोल के बैठेंगे पिता परमेश्वर, उनको ले गएगा तेरे पवित्र आत्मा, उनको सामने बिठा के समझा रहे, जैसे गुरु शिष्य को सामने बिठा के समझा रहे, पवित्र आत्मा तो सामने बिठा के समझाएगा, मेरा यीशु, मेरा पिता, मेरा सृजनहार तू मुझे सामने बिठा के समझाएगा पिता, मुझे भी लेके चल पिता परमेश्वर नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग, जैसे तू अपने अपोस्टल को समझाता है, तू मेरे अपने पिता को खुद समझाता है पिता परमेश्वर, उन अपोस्टल्स को, पॉल को, मैथ्यू को, मार्क को, लूको को, तेरी जॉन को, ऐसे लोगों को तू समझाते थे पिता, आज से मुझसे ऐसे बात कर पिता परमेश्वर, समझाना शुरू कर पिता परमेश्वर,
तेरी छुपी हुई बात, तेरी मिस्ट्री से, तेरे वचन से, तेरी जिंदगियों से मैं सीखना चाहता हूँ परमेश्वर। प्रभु मेरी लाइफ कलिशा मांगो, आपकी लाइफ एक एग्जाम्पल भरा हुआ लाइफ हो प्रभु के सामने, एग्जाम्पल भरा हुआ लाइफ हो। आने वाले टाइम में आपके एग्जाम्पल लोग ले पाए, कलिशा ले पाए, आपकी आपके ऊपर आशीष हो, अनुग्रह हो। और इस अपरंपर आशीष के लिए धन्यवाद बोलते हुए मिलते हैं, हम रोटी को लेते हैं। धन्यवाद पिता इस अपॉर्चुनिटी के लिए, तेरी तेरी शरीर के लिए, तेरे लहू के लिए, तेरे आदर के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरे डीएनए के लिए। प्रभु हम जानते हैं ब्लड के अंदर लाइफ होता है प्रभु, ये जूस नहीं है, ये अंकुर की रस नहीं है पिता, मेरे लिए तेरे लहू है पिता परमेश्वर, जो तूने ठुकराया इस धरती के लिए। जब तू अंदर मेरे जाएगा पिता परमेश्वर, हर अशुद्ध शक्ति, हर सातान की क्लेम, हर अपॉर्चुनिटी जो सातान ने लेके आए मेरी जिंदगी से कैंसिल होगा पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ, कलिशा शुद्ध बोलो, अपने आप को बोलो प्रभु मुझे शुद्ध कर, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मेरी आत्मा को शुद्ध कर, मेरे मन को शुद्ध कर। हर सातान ने मेरी आत्मा को, अंतरात्मा को पकड़ के रखा है, स्पिरिट को पकड़ रखा है सातान, तेरे अपनी गंदे हाथ छोड़ के मेरी जिंदगी से दूर हो जा सातान। यीशु के लहू जिसमें कोई कोई नहीं खड़ा हो सकता, जिस पावर के सामने किसी का पावर नहीं, अधिकार नहीं, शक्ति नहीं, मैं आज तेरे लहू को अपने ऊपर छिड़कता हूं, अपने ऊपर बोलता हूं, अपने शरीर में बोलता हूं। मिलते हुए आदर के साथ हम इसको पीते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। अनॉइंट, अनॉइंट, अनॉइंट। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, बीमार है, परेशान है, आगे आ जाइए। कितने लोग बीमार है, परेशान है, आज आपको प्रार्थना करवाने आगे आ जाइए। एक एक लोगों के पास आ जाओ, आप लोग प्रार्थना करो, कम्युनियन लिया हुआ, प्रभु में भरा हुआ, यीशु को रिप्रेजेंट करते। एक एक लोगों के पास, लेडीज लेडीज के पास आ जाइए, उल्टा मुंह घुमाइए, प्रे करो अपने भाइयों के लिए, बहन के लिए, जाओ एक एक लोगों के पास, आदमी आदमी के पास, औरत औरत के पास, और प्रार्थना करो आज। अपनी प्रॉब्लम शेयर करना जरूरी नहीं है, जो छोटी सी लेवल में शेयर कर सकते हैं उनसे शेयर करो। आदमी आदमी के पास, औरत औरत के पास आइए और प्रे करो। कम्युनियन लिया हुआ एक एक लाइन में आ जाइए, पीछे भी लोग भरा हुआ है, पीछे भी आदमी लोग हैं, प्रे करो। आज आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जीसस किंगडम को, आज आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जीसस। आपका जान पहचान के पास मत जाओ, रिलेटिव्स जिससे आप डेली प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के साथ आइए, इधर भी आइए, और लेडीज और मेन, जिन्होंने कम्युनियन लिया वो लोग हाथ रख के प्रार्थना करो, जिन्होंने कम्युनियन लिया प्रभु भोज लिया। रति रति मैडम, पास रति कहाँ है? सिस्टर शुभांगी, ये क्या हो रहा है, आप हाथ क्यों रख रहे हो? जिन्होंने कम्युनियन लिया वो दूसरे के ऊपर हाथ रखो, प्रार्थना करो। जिन्होंने प्रभु भोज लिया, सिस्टर ने प्रभु भोज लिया है, सिस्टर ने प्रभु भोज नहीं लिया, वॉलंटियर्स कहाँ है? सिस्टर जी प्रभु भोज नहीं लिया, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ा करवा दो ना, नहीं तो उनको भी प्रार्थना करा दो। आपने प्रभु भोज लिया, आइए और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। एक मिनट दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हो, प्रार्थना करो। किसी ने प्रार्थना नहीं किया तो आप आ जाइए, आपको लिए प्रार्थना करना है तो प्रार्थना करो, अनॉइंट करो, यीशु का लहू पुकारो उनके ऊपर, आपके हाथों से आज अनॉइंटिंग निकलेगा, परमेश्वर का हीलिंग पावर निकलेगा, प्रभु टच करेगा आज उनको। प्रार्थना करते रहो, आशीष अनुग्रह में भरते रहो, छोड़ना मत, अभी प्रभु कार्य करेगा। सिर पे हाथ रखो, अनॉइंट करो, मसा करो, आज रिलीज करो प्रभु के ग्रेस को, मर्सीज को, दया को, आज रिलीज करो। आर्यन प्रार्थना नहीं हो तो ब्रदर के पास आ जाओ। अपने हाथों को उठा, मैंने नहीं बोला ऑल्टर से जाने के लिए किसी को, अब ऑल्टर में रह लीजिए, प्रार्थना करो। अब तो आप तो मेरे पास सामने तो 10-10 मिनट प्रार्थना करवाते हो, दूसरे के लिए 5 मिनट नहीं प्रे कर सकते। प्रे एंड अनॉइंट, प्रे एंड अनॉइंट, प्रे एंड अनॉइंट।
सातान दुष्टात्मा को बोलना जब तक तू छोड़ के नहीं जाएगा गरीबी परेशानी प्रॉब्लम्स मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अनॉइंट करो सिर को उनकी प्रार्थना को। जो जो लोग किसी के कोई किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे तो आगे आ जाइए, बंदे ढूंढेंगे दो दो ग्रुप की प्रार्थना करवाएंगे। हर सातान अंधकार की शक्तियों को डांडो यीशु के नाम से। अगर आपने प्रभु बोज लिया है आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यीशु की किंगडम को, आप खुद पवित्र आत्मा में भरा हुआ प्रभु को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा है। रिलीज करो परमेश्वर का, सब जन अपनी ऑल्टर के ऊपर देखेंगे अभी और आराधना करेंगे मिलके 5 मिनट यीशु का लहू। अब आपने प्रार्थना करना है अपने लिए नहीं, जितने भी लोगों ने कम्युनियन लिया जिसके लिए आपने प्रे किया आराधना करेंगे, बोल देंगे प्रभु तेरा लहू इसके ऊपर जो मेरे हाथों में, मैं भाई के ऊपर बोला आशीष अनुग्रह को बोला उसके ऊपर उसकी जिंदगी के ऊपर यीशु का लहू। आराधना करेंगे, हम आराधना में जाएंगे 2-4 मिनट। बचाए है जान मेरी, बनी सी से है बात मेरी, बचाए सिने है जान मेरी, बनी सी से है बात। आपने जिनके लिए आपने प्रार्थना किया उस भाई का पकड़ो, हाथ पकड़ो, शरीर को पकड़ो और परमेश्वर को बोल दो प्रभु जिनके लिए आपने प्रार्थना किया जिस भाई बहन के साथ आप थे उनको पकड़ो हाथ में बोलो। जितने भी लोग अभी प्रभु बोझ लिया यीशु मसीह का बैप्टिज्म लिया आप लोगों से मैं कह रहा हूं परमेश्वर को बोल दो प्रभु मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस भाई की उस बहन की जिंदगी को, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसकी भाई की इसकी जिंदगी को परमेश्वर। प्रभु मैं तूने अधिकार जो मुझे दिया उसके साथ मैंने आज डांडा है, दुष्ट शक्तियों को डांडा है, गरीबी की आत्मा को डांडा है, फेलियर की आत्मा को मैंने डांडा है, आप अशुद्ध शक्तियों को मैंने डांडा है। यीशु तू मेरी बात हर बार मानता है, मेरी प्रार्थना सुनता, तेरे बेटे होने के नाता मैं आज इम्पार्ट करता हूं, मैं आज इनको तेरे ऑल्टर में खड़ा करता हूं पिता परमेश्वर। शुद्ध कर हर पाप सातान, इनके ऊपर से हाथ उठा यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं समर्पित करता हूं इनको यीशु के सुसमाचार के लिए काम के लिए, यीशु तेरी दया इनके ऊपर आ जाए परमेश्वर। जैसे तूने मुझे आज मेरी आंखों को स्पिरिचुअल आंखों को खोला है, इनकी आंख खुल जाए, उनके माथे पे हाथ रखो, अनॉइंट करो, बोल दो हर सातान अंधकार की शक्ति इनके सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ है दूर हो जाए यीशु के नाम से, इनके दिमागों से सातान की पकड़, सातान की शक्ति, सातान की ताकत दूर हो जाए यीशु के नाम से। बुद्धि खुल जाए, समझदारी खुल जाए, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग खुल जाए, आपके बहुत सारे लोग लगेगा आपके हाथ से पावर रिलीज हो रहे, आपके हाथों में प्रभु पावर दे रहे, आपके हाथों में प्रभु पावर दे रहे, पावर रिलीज इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, पावर बी रिलीज, बी रिलीज, बी रिलीज इन जीसस नेम, 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 बी रिलीज इन जीसस नेम। पावर आपके हाथों से पावर जाएगा, हेवन की कांटेक्ट पॉइंट बन के, आज हेवन की कांटेक्ट पॉइंट बन के आपके हाथों से पावर जाएगा, हेवन की कांटेक्ट पॉइंट बन के, हेवन की कांटेक्ट पॉइंट बन के उल्टियों के द्वारा बीमारियों के द्वारा आज बाहर निकलेगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर सातानिक अंधकार की शक्ति साइड में ले जाओ करो, हर सातान के अंधकार की शक्ति बाहर निकले यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पावर 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 रख रियम बोला बा, पावर आपकी हाथों से रिलीज होने वाला है, पावर आपकी हाथों से रिलीज होगा आज। बैप्टाइज लोग, कम्युनियन लिया लोग, आपकी हाथों से रिलीज होगा आज यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियां रिलीज होगा आपकी मिनिस्ट्री से, पर्सनल लाइफ से, फैमिली से। रखो रियम बो रखलामा शिखनामा थरमा रियम बा मारमला मारबा, उल्टी आ रहे उल्टी करो, कंट्रोल मत करो, हर सातानिक सब्सटेंस बाहर निकले यीशु के नाम से। पावा 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 रिलीज्ड, वी रिलीज्ड, वी रिलीज्ड इन जीसस नेम, पावर बी रिलीज्ड इन जीसस नेम, पावर बी रिलीज्ड इन जीसस नेम, पावर बी रिलीज्ड, पावर बी रिलीज्ड, रिलीज्ड, रिलीज्ड पावर, पावर पावर, पावर बी रिलीज्ड इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। Let the power be released. 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 और रखो रियम और रख लमारी का शक्ति आपकी शरीर से आपकी हाथों से प्रभु कॉन्टैक्ट पॉइंट के रूप में यूज करेगा आज। मरी खलमारी खनमा
गाइए यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। ये राहत दिल मेरा कफारा शिफा की शक्ति, हर सातान हर अंधकार की शक्ति, हर सब्सटेंस जो शरीर में गया, आत्मा में गया, कोई भी किसी भी कोई भी रीजन के वजह से, मैं घोषणा करता हूं आज एक्सपायरी डेट है और ओवर है। हर स्पिरिट को मैं अरेस्ट करता हूं यीशु के नाम से, हर अंधकार की शक्ति को मैं अरेस्ट करता हूं यीशु के नाम से, फेलियर को मैं अरेस्ट करता हूं यीशु के नाम से, फेलियर की शक्ति को अब फलवंत की आत्मा यीशु का आज से आपकी जिंदगी में घुसेगा। फ्रूटफुलनेस है, हर बैरननेस है, हर बांझपन की आत्मा आपकी जिंदगियों से दूर हो जाएंगे यीशु के नाम से। आपके व्यवसाय से बांझपन की आत्मा दूर हो जाएंगे यीशु के नाम से। आपकी पर्सनल लाइफ से, फैमिली लाइफ से हर अंधकार की शक्ति आज से आप डिलीवर है यीशु के नाम से। मैं घोषणा करता हर सब्सटेंस बाहर आ जाए यीशु के नाम से। जो चुपी हुई बीमारी आज बाहर निकले यीशु के नाम से, 24 घंटे के अंदर हर इन्फेक्शन की जड़ बाहर निकले यीशु के नाम से, लोगों की जिंदगियों से प्रभु यीशु के नाम से। हर चुपी हुई बीमारी, हर चुपी हुई आदत, हर सातान ने फ्यूचर के लिए जो जड़ खोद रखा है मैं डिस्ट्रॉय करता हूं। सातानिक बीज जो फ्यूचर के लिए गांड के रखा है, बांध के रखा हुआ है यीशु के नाम से। मैं जितनी भी नीचे हो, जितनी भी गड्ढे हो, हर सातानिक बीज 20 साल के बाद आना है, 10 साल के बाद आना है, डिस्ट्रॉय 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 इन जीसस नेम। सातान तेरा कोई शक्ति ताकत नहीं होगा, तेरे कोई शक्ति के पास ताकत नहीं है, तेरे कोई शक्ति के पास ताकत नहीं है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। हां ये आराधना में चाहिए। बचाई इसने है जान मेरी, बड़ी इससे है बात मेरी, बचाई इसने है जान मेरी, बड़ी इससे है बात मेरी, ये रास्ता मेरी नजर दिखाए, करता हूं। अगर आपकी शरीर जल्दी बुढ़े होते जा रहे, बुढ़े होते जा रहे, आपकी शरीर में टायर्डनेस बढ़ते जा रहे, आज मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपकी यूथफुलनेस, आपकी जवानी आपकी शरीर में वापस आएंगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जवानी वापस, यूथफुलनेस। उस पुराने लहू को धोके यीशु
जब लोग देखे अगला 5 साल के बाद वो बोले तेरी उम्र पीछे जा रहा है प्रभु, हर बुढ़ापना, हर उम्र बढ़ते जा रहे शरीर में आत्मा में, मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से, यूथफुलनेस को मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु, ताकत तेरे लोग उम्र छोटे होते जाए और समझदारी में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, उनके शरीर का यूज कर, हड्डियों में जान देने वाला यीशु, हड्डियों में ताकत है, मांस में ताकत है, लहू में ताकत है, उनकी नस नस में ताकत है, ऑर्गन्स में ताकत है, जवान बच्चे जैसे उनके शरीर और ऑर्गन फंक्शन करते जाए पिता परमेश्वर, लॉन्ग लाइफ के साथ में तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं, ब्लेस यू इन जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, जवानी के साथ, यूथफुलनेस के साथ में ब्लेस करता हूं, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग इस ऑल्टर में, यूथफुलनेस के साथ में आपको घोषणा करता हूं, ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से।